नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूके पीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओआरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। नमस्कार दोस्तों, ये है अप्रैल के लिए टॉप 500 जो एमसीक्यू है करंट अफेयर्स के, उसका ये लेक्चर है आपके पास। अप्रैल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 एमसीक्यू आए हैं इस बार के, आइए उसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति वॉन गॉग, ठीक है, जिसको वन गॉग बोला जाता है, कहाँ से मिली है ये? तो ये हमें मिली है तमिलनाडु से। कहाँ से मिली है वन गॉग? तमिलनाडु, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। मार्च 2024 में कौन सा राज्य 69 GI टैग के साथ नंबर वन स्थान हासिल कर लिया है, मतलब 69 GI प्रोडक्ट्स को, मतलब 69 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिल गया है, कौन सा ऐसा राज्य है दोस्तों? तो यह है उत्तर प्रदेश, वन एंड ओनली, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट याद रखना 69, क्या सारे प्रोडक्ट को याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। 31 मई 2024 तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDI, इसको, इसका जो टूर्नामेंट है, इसकी मेजबानी किस संस्थान ने की है? तो इसकी विच इंस्टीट्यूट होस्टेड द FIDI इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रिलेटेड चेस टूर्नामेंट टू बी हेल्ड ऑन मार्च 2024? तो IIT मद्रास ने करी है। किसने? IIT मद्रास। चौथा कह रहा है, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवारों की आपराधिक छवि का पता लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च बाय द इलेक्शन कमीशन टू फाइंड आउट क्रिमिनल इमेज ऑफ द कैंडिडेट इन द लोकसभा इलेक्शन? तो ये इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया नो योर कैंडिडेट। क्या करा है? नो योर कैंडिडेट। पाँचवा कह रहा है, हर वर्ष विश्व ऑस्टिज्म अवेयरनेस डे, वर्ल्ड ऑस्टिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाते हैं 2 अप्रैल को। कब मनाते हैं? वर्ल्ड ऑस्टिज्म डे 2 अप्रैल। 1 अप्रैल 2024 को किसने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला है? हु हैज टेकन ओवर एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। तो PIB मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो डायरेक्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये PIB के, ये बने कौन? शेफाली शरण बने। कौन? शेफाली शरण, ठीक है, शेफाली शरण। हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा, कौन सी रिगनाई पचरा को GI टैग मिला है? तो रिगनाई पचरा जो है ये त्रिपुरा की है। कहाँ की? त्रिपुरा की है, जिसको GI टैग मिला, ठीक है। त्रिपुरा की ट्रेडिशनल ड्रेस है रिगनाई पचरा। आठवां कह रहा है, हाल ही में किस कंपनी को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार से सम्मानित करा गया? विच कंपनी हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड द स्कॉच ESG अवार्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी? तो ये मिला है REC लिमिटेड को। किसको? REC लिमिटेड को। नवा देखते हैं, कह रहा, हाल ही में किसे भारतीय टेलीविजन समाचार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ENBA अवार्ड से किसको सम्मानित करा गया दोस्तों 2003 में, मतलब 2023 में? विनीत जैन। कौन सा? विनीत जैन। कह रहा है, फाइनेंशियल ईयर या वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत का रक्षा निर्यात लगभग कितने करोड़ रुपए का है? इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 वॉज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी करोड़? तो जो डिफेंस का एक्सपोर्ट हमने करा वो करा 21,000 करोड़ का। कितने का? 21,000 करोड़ का दोस्तों। कह रहा, अप्रैल 2024 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने गुयाना रक्षा बल को कितने डॉर्नियर विमान सौंपे? डॉर्नियर 228 जो विमान है वो गुयाना को कितने दिए हैं HL ने? तो 2 दिए हैं। कितने? 2, ठीक है, नाम याद रखना, डॉर्नियर 228 दिया किसको? गुयाना को। हाल ही में किस संस्था ने निवेशकों की शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने के लिए इस कोर्स 2.0 पेश किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस इस कोर्स 2.0 टू स्ट्रेंथन द ग्रीवेंसेस रिट्रेशल सिस्टम ऑफ इन्वेस्टर्स? तो ये SEBI ने करा है। किसने? SEBI ने। 1 अप्रैल 2024 से भारतीय वायुसेना 10 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास गगन शक्ति का आयोजन कहाँ कर रही है? वेयर डिड द इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज 10-day मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज गगन शक्ति 2024? तो ये कर रही है पोखरण राजस्थान में, ठीक है, पोखरण राजस्थान। 14 देखते हैं, हाल ही में ऑरलैंड पॉलिश ओपन, कौन सा ऑरलैंड पॉलिश ओपन 2024 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? हु हैज़ रिसेंटली वन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑरलैंड पॉलिश ओपन? तो ये जीता है अनुपमा उपाध्याय ने। किसने? अनुपमा उपाध्याय ने।
चलिए 15 देखते हैं। मार्च 2024 में कौन से देश आंशिक रूप से यूरोप के सेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हुए? विच कंट्रीज पार्शली ज्वाइन यूरोप सेंगेन ट्रेवल एरिया इन मार्च? तो ये रोमेनिया और बुल्गारिया ने ज्वाइन करा है दोस्तों। कौन सी कंट्री ने ज्वाइन करा है यूरोप शेंगेन यात्रा को? रोमेनिया बुल्गारिया, रोमेनिया बुल्गारिया, ठीक है। कमेंट में बताओ रोमेनिया की कैपिटल और बुल्गारिया की कैपिटल दोस्तों। हाल ही में हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अशोक कुमार को। किसको? अशोक कुमार को। हाल ही में जूडिथ सोमिनोवा तुलुका, कौन? जूडिथ सोमिनोवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? रिसेंटली जूडिथ सोमिनोवा तुलुका हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ विच कंट्री? कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो? क्या नाम है? जूडिथ सोमिनोवा तुलुका। अब इसकी कैपिटल क्या है? देखिए इसी टाइप की कैपिटल एग्जाम में आती है, तो किनशाशा इसकी कैपिटल है। कौन सी? किनशाशा। नाम याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का कैपिटल क्या है? किनशाशा, ठीक है। चलो वेदांता की बालको कंपनी ASI प्रदर्शन मानक V3 ASI प्रदर्शन मानक V3 प्रमाणन हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है, जो स्थित है कहाँ पर? तो ये छत्तीसगढ़ में, वेदांता बालको कंपनी का है छत्तीसगढ़ में दोस्तों। अप्रैल 2023 में अब्दुल फतेह अल सीसी ने लगातार डैश बार मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में सत्ता ली है। अब्दुल फतेह अल सीसी लगातार तीसरी बार दोस्तों इजिप्ट के प्रेसिडेंट बने, ठीक है। और इजिप्ट की कैपिटल क्या है दोस्तों? कायरो, ठीक है। ये जो भी कंट्री यूज में उसकी कैपिटल आपको एक पेपर में तो एक सवाल कैपिटल का जरूर आता मैच करने में ना, तो वही देश आ जाते हैं जो न्यूज में होते हैं, तो उसको थोड़ा याद रखा करो। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक वाहन एक फास्टैग नियम कब से लागू कर दिया दोस्तों? व्हेन डिड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटेड वन व्हीकल वन फास्टैग? तो ये 1 अप्रैल 2024 से करा, 1 अप्रैल 2024 दोस्तों। ऐसे ही देखिए ये सब हमारे करंट अफेयर्स की आपको कंप्लीट सीरीज, कंप्लीट आपको जो PDF होती है वो मिल जाएगी। SCS से बाहर करंट अफेयर्स कभी नहीं आता है। 30 से 35 सवाल हम आपको SCS से प्रूफ के साथ भेजते हैं हर साल, कैसे यही करंट अफेयर्स आपको मिलते हैं जो हम देते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाती है, पूरा 360 वेटेज कवर करके दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं एक करंट अफेयर्स की PDF को, तो हमारे नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। हर मंथ की PDF, हर मंथ के वीडियोज़ आपको हमारे मिल जाएंगे। SCS ऐप डाउनलोड कर लीजिए, SCS ऐप पे आप ज्ञान सर कोड डालेंगे 50% डिस्काउंट, हर महीने की मैगजीन मात्र 20 रुपये में करंट अफेयर्स की मिल जाएगी आपको। समझ, इतना सस्ता और इतना क्वालिटी कंटेंट आपको कोई नहीं देगा दोस्तों। जितना अच्छे से मेहनत कर सकते हो कर लो, क्योंकि आप देख रहे हो ना आज के टाइम में एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। कहीं पेपर लीक हो रहा है, पेपर का लेवल इतना ज़्यादा हार्ड होता जा रहा है ना। बच्चे के आप जो पुराने टॉपर्स के आप व्यूज़ देखते हो वो सब बदल चुके हैं ना। मार्केट में जो पहले चलता ना, आयोग भी तो मार्केट में रहता है, अब वो पुराना चक्र, दिमाग का चक्र, इन सबसे सवाल पूछना कर दिया उसने बंद। UPSC पूरी तरह से UPSC को फॉलो कर रहा है दोस्तों, पूरी तरह से, है ना। तो अपना पैटर्न बहुत ज़्यादा वो बदलता जा रहा है, तो इस पर थोड़ा फोकस करिए। जितना जल्दी से जल्दी अच्छी तैयारी करके एग्ज़ाम जितना जल्दी निकाल लोगे उतना बेहतर है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन 21 कह रहा है, ATP रैंकिंग के इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर वन कौन बने दोस्तों? हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर वन इन द हिस्ट्री ऑफ ATP? तो ये बने नोवाक जोकोविच, और नोवाक जोकोविच, ठीक है, इनसे तो आप परिचित ही होंगे। 2024 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो 2024 में कौन करेगा G20 की चेयरमैनशिप प्रेसिडेंसी? तो ये करेगा ब्राज़ील। कौन करेगा? ब्राज़ील। इससे पहले किसने करी थी? भारत ने। मार्च 2024 में नाइजर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किसको करा गया है? तो सीताराम मीना को करा गया है नाइजर गणराज्य में एज अ ब्रांड एम्बेसडर, मतलब इंडियन एम्बेसडर को अपॉइंट करा गया है। किसको? सीताराम मीना। और नाइजर की कैपिटल क्या है? नियामे। क्या है? नियामे, याद रखना, यही सब कैपिटल मैचिंग में आती है आपके, ठीक है। चलिए हाल ही में किस संस्था ने आम चुनाव 2024 में गलत सूचना के प्रसार को सक्रिय रूप से रोकने के लिए मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर की शुरुआत करी है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर टू प्रोएक्टिवली प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इन द जनरल इलेक्शन? तो ये निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ने करी? किसने? इलेक्शन कमीशन ने, याद रखिएगा इसको। 1 अप्रैल 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण करा है? हु अज्यूम चार्ज एज 33rd डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर? तो ये करा है JS Sidhana ने। किसने? JS Sidhana। चलिए 26 देखते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में पारादीप बंदरगाह, कौन सा पारादीप बंदरगाह या प्रायद्वीप पोर्ट भारत के प्रमुख बंदरगाहों में शीर्ष पर है? यह किस राज्य में स्थित है प्रायद्वीप पोर्ट? तो प्रायद्वीप पोर्ट है दोस्तों ओडिशा में। कहाँ पे है? ओडिशा में, पता होगा आपको।
भारत में हर साल हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? When is हिंदी रंगमंच दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को दोस्तों। 28 देखते हैं। अप्रैल 2024 में जारी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की रैंकिंग के अनुसार भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रैंकिंग रिलीज्ड इन अप्रैल, हु हैज़ बिकम इंडियाज टॉप चेस प्लेयर? तो अर्जुन एरिगासी बने हैं भारत के टॉप चेस प्लेयर। नाम याद रखना, अर्जुन एरिगासी, ठीक है? ये एलविस यादव सिस्टम विस्टम इन सबको याद करने से बजाय ये सब याद रखो, अर्जुन एरिगासी। अब इन सबको प्रमोट कोई नहीं करता है, हमारी गलती है। खैर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में महिला और पुरुष दोनों खिताब जीत लिए हैं? विच स्टेट टीम हैज़ वॉन बोथ वुमेन एंड मेन्स टाइटल इन 56th नेशनल खो खो चैंपियनशिप? तो ये महाराष्ट्र ने जीता है, ठीक है? हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? वर्ल्ड बैंक हैज़ एस्टिमेटेड व्हाट परसेंट विल बी द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर 24-25? तो ये 6.6% बताया। कितना? 6.6%। चलिए 31 देखते हैं। कह रहा वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने पहली बार कितने अरब टन कोयला और लिग्नाइट का उत्पादन हासिल किया है? इंडिया अचीव्ड प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी बिलियन टन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो 1 बिलियन टन का प्रोडक्शन करा है, रिकॉर्ड 1 बिलियन टन पर गर्मी। अब देख लो, हम जितना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, अब कोयला निकालने के लिए पूरा जंगल काट दिया हर्षदेव वाला समझो, है ना? तो ठीक नहीं है ना यार, बैलेंस भी तो हमें बना के रखना है। देख लो अर्थ की कैसे आग उगल रही है। चलिए 10,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हैव 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? तो ये बन गई है अडानी एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी जो है भारत की पहली कंपनी बन गई है जो 10,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा ग्रीन एनर्जी बना रही है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने 1 अप्रैल 2024 को कोडाईकनाल और वेधशाला की कौन सी वर्षगांठ मनाई है दोस्तों? तो 125वीं वर्षगांठ मनाई है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एट्रोफिजिक्स, ठीक है, ऑफ द कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी जो है इसकी 125वीं एनिवर्सरी हुई है। 1 अप्रैल 2024 को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, कौन सा? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद किसने संभाला है? हु हैज टेकन ओवर एज अ चेयरमैन एंड CMD ऑफ कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड? तो ये संतोष कुमार झा बने। कौन बने? संतोष कुमार झा। हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और किस बैंक का विलय हो गया है? रिसेंटली AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड विच बैंक हैव मर्ज? तो ये मर्ज करें दोस्तों फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सा? फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाल ही में 2024-25 के लिए उद्योग मंडल जो है ASSOCHAM जिसको बोलते हैं, एसोचैम, क्या बोलते हैं? एसोचैम, इसके अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो संजय नायर बने हैं एसोचैम के नए चेयरमैन। कौन? संजय नायर, ठीक है, इसको याद रखना, संजय नायर। प्रतिवर्ष अंधता निवारण सप्ताह या प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक कब मनाया जाता है? प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक मनाया जाता है अप्रैल के पहले सप्ताह में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बिंदिया रानी देवी ने थाईलैंड के फुकेट में IWF विश्व कप 2024 में महिलाओं की 55 किलोग्राम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो महिलाओं की 55 किलोग्राम स्पर्धा में जीता है ब्रॉन्ज पदक किसने भैया? बिंदिया रानी देवी ने, ठीक है। हाल ही में किस कंपनी ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ दुनिया का पहला संवादात्मक AI विकसित किया है? विच कंपनी रिसेंटली डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशनल AI विथ इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस, ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा एथिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल है, एथिक्स में इसके लिए पूरी एक थ्योरी है इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो ये ह्यूम AI ने बनाया, किसने? ह्यूम AI। चलिए कह रहा हाल ही में वायकॉम सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष मनाया गई है जो किस राज्य से संबंधित है? वायकॉम सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष मतलब 1924 में हुआ था वायकॉम सत्याग्रह, तो केरल में इसको मनाया गया, केरल में, ठीक है, वायकॉम सत्याग्रह केरल में। चलिए 41 देखते हैं। कह रहा हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव में युवाओं से मतदान करने का आग्रह करने के लिए किस अभिनेता को नियुक्त किया है? विच एक्टर हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू अर्ग द यूथ टू वोट इन द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन? शाहरुख खान, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना या कार्तिक आर्यन? तो ये था आयुष्मान खुराना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा हाल ही में SJVN हैज़ सॉरी इन दोनों को मिक्स कर दिया मैंने। कह रहा हाल ही में SJVN ने सुरंग परियोजना के प्रदर्शन को बेहतर करने हेतु किस संस्थान के साथ साझेदारी की है?
रिसेंटली एस जे वी एन हैज़ पार्टनर विथ विच इंस्टीट्यूट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द टनल प्रोजेक्ट। तो ये करिए IIT पटना के साथ। किसके साथ? IIT पटना के साथ। 43 देखने कह रहा, हाल ही में खबरों में रही लंपी स्किन डिसीज। कौन सी लंपी स्किन डिसीज? एक वायरल बीमारी है जो प्रभावित करती है। रिसेंटली इन द न्यूज़, लंपी स्किन डिसीज इज़ अ वायरल डिसीज विच अफेक्ट। तो ये आपने देखा होगा, लंपी डिसीज कैटल्स को बहुत हुई थी, है ना, मवेशी जो होते हैं कैटल्स। हाल ही में शोधकर्ताओं को किस ग्रह के चंद्रमा जो है कैलिस्टो पर ओजोन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, किस ग्रह का चंद्रमा है कैलिस्टो जहाँ पे ओजोन के प्रमाण मिले हैं? तो जुपिटर का है दोस्तों। किसका है? जुपिटर का। एक सवाल मैं और आपके लिए ले आया हूँ, आप बताओ सैटर्न या जुपिटर किसके सबसे ज़्यादा मून है? ठीक है, प्रेजेंट के हिसाब से बताइएगा। चलो, अप्रैल 2024 में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट पेरेज मोरा, नाम याद रखिएगा, जुआन विंसेंट पेरेज मोरा के 114 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। किस देश के हैं ये? तो ये वेनेजुएला के हैं। ठीक है, कहाँ के? वेनेजुएला के। 46, हाल ही में किस राज्य में परमवीर चक्र गार्डन, कौन सा परमवीर चक्र गार्डन का उद्घाटन किया गया, जिसमें 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं की प्रतिमाएं प्रदर्शित की गई हैं। रिसेंटली इन विच स्टेट वॉज द परमवीर चक्र गार्डन इनॉग्रेटेड? इन विच स्टेट ऑफ 21 परमवीर चक्र अवार्डीज आर डिस्प्लेड? तो ये तमिलनाडु में करी गई है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की 38वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2024 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में कौन सा एकमात्र भारतीय शामिल है? दोस्तों, तो दुनिया के जो 10 अरबपति सूची, उनमें से मुकेश अंबानी शामिल है। कौन है? मुकेश अंबानी। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, इस लिस्ट में भारत तीसरे सबसे ज़्यादा अरबपति, 200 अरबपति भारत में। ठीक है, प्रोटेक्टिंग लाइफ्स बिल्डिंग पीस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? दोस्तों, इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस, तो ये मनाया जाता है 4 अप्रैल को। कब? 4 अप्रैल को। हाल ही में किस देश के फ्यूज़न रिएक्टर कृत्रिम सूर्य ने, किस देश के फ्यूज़न रिएक्टर कृत्रिम सूर्य ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर प्लाज्मा बनाए रखने का रिकॉर्ड बनाया है? रिसेंटली विच कंट्री फ्यूजन रिएक्टर आर्टिफिशियल सन हैज़ मेड अ रिकॉर्ड फॉर मेंटेनिंग प्लाज्मा एट 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस? तो ये बनाया साउथ कोरिया या दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस मंत्रालय ने MyCGHSIOS, अब कौन सा MyCGHSIOS ऐप लॉन्च किया है? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया है। किसने? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। चलिए 51 देखते हैं। कह रहा, हाल ही में किस संस्था ने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट कार्यक्रम की घोषणा की है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली अनाउंस द स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम? तो इसरो ने लॉन्च करी। किसने? इसरो ने। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है, सशस्त्र बलों द्वारा किस शहर को भारत के पहले ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन के रूप में स्थापित किया जा रहा है? विच सिटी इज बींग सेटअप एज इंडियाज फर्स्ट ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बाय आर्म फोर्स? तो ये मुंबई को करा जा रहा है। किसको? मुंबई को। उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2027-28 तक मक्का का उत्पादन कितने मिलियन टन से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ मेज टू मोर देन हाउ मिलियन टन्स बाई ईयर 27-28? तो 3.2 मिलियन टन रखा है। कितना? 3.2 मिलियन टन। अप्रैल 2024 में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा प्रणाली शुरू की है? ई वीज़ा प्रणाली, तो ये जापान ने शुरू करा है ई वीज़ा सिस्टम दोस्तों। हाल ही में काठिया गेहूँ को GI टैग प्रदान किया गया है। काठिया गेहूँ को, यह किस राज्य से संबंधित है? काठिया वीट दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किससे? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अप्रैल 2024 में टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू MD ऑफ टाटा इंटरनेशनल? तो ये राजीव सिंघल को बनाया गया। ठीक है, राजीव सिंघल। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की है? दोस्तों, तो ये IIT बॉम्बे में करिए। कहाँ पे? IIT बॉम्बे में। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित नेशनल फेम अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, तो ये प्रेस्टीजियस नेशनल फेम अवार्ड मिला है डॉक्टर कार्तिक कुमोरी, कार्तिक कुमोरी को। ठीक है, भारत किस वर्ष तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है? इंडिया प्लान्स टू क्रिएट फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बाय विच ईयर 29-30? हाल ही में खबरों में रहा अहोबिलम मंदिर, कौन सा अहोबिलम मंदिर किस राज्य में है? रिसेंटली इन न्यूज़, अहोबिलम टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अप्रैल 2024 में विश्व बैंक समूह ने किस भारतीय को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के
सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप एज अ मेंबर ऑफ इट्स इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल इन अप्रैल 2024। तो ये राकेश मोहन को कराए, किसको कराए, राकेश मोहन को। हाल ही में खबरों में रहा अफार ट्राइंगल, ठीक है, किससे संबंधित है अफार ट्राइंगल दोस्तों, काफ़ी न्यूज़ में आपने सुना होगा अफार ट्राइंगल। तो देखिए काफ़ी न्यूज़ में था अफार ट्राइंगल, जो कि इरिट्रिया, जिबूती है ना, इथोपिया, सोमालिया, यहाँ के था, ये पार्ट अलग हो रहा है पूरा, एक अलग है ना, बहुत अलग होता जा रहा है रिफ्ट वैली की वजह से, है ना, तो ये याद रखिएगा आप अफ्रीका से नहीं लेते। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन थी दोस्तों, हु इज़ दी ओनली इंडियन वेट लिफ्टर टू रिसेंटली क्वालिफाई फॉर पेरिस ओलंपिक, तो मीराबाई चानू। कौन, मीराबाई चानू। हाल ही में भारत और किस देश ने संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव को अपनाया, तो नेपाल ने अपनाया 5-पॉइंट प्रपोजल को इंडिया के, ठीक है, याद रखिएगा 5-पॉइंट प्रपोजल नेपाल। भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला तीसरा यूरोपीय देश कौन बना है दोस्तों, विच हैज़ बिकम द थर्ड यूरोपियन कंट्री टू लीगलाइज द यूज़ ऑफ कैनबीज, तो जर्मनी ने दोस्तों लीगलाइज कर दिया है इसको, तो ये तीसरा देश बना है, इससे पहले माल्टा और लग्जमबर्ग इन्होंने भी कर रखा था, ठीक है, अब जर्मनी ने भी कर दिया है। 4 अप्रैल 2024 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नाटो जिसको बोलते हैं, इसने यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सामूहिक रक्षा संधि का 75वां वर्ष मनाया है। अब नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है। हाल ही में भारत के पहले AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लॉन्च किया गया है, इसका क्या नाम है दोस्तों, देविका, इंडियाज फर्स्ट AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो लॉन्च किया गया, क्या है, देविका नाम है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में जारी लैंसेट अध्ययन के अनुसार 1991 से 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये करी गई है 6.2 वर्ष की वृद्धि दर्ज, कितनी, 6.2 ईयर्स। हाल ही में सीरिया में स्थित ईरानी दूतावास पर किस देश ने हमला किया है, विच कंट्री हैज रिसेंटली अटैक द ईरानियन एम्बेसी इन सीरिया, तो इसराइल ने अटैक करा है दोस्तों, किसने, हमने देखा होगा इसराइल ने। हाल ही में किस राज्य में दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के लॉन्च के 250 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित किया गया, रिसेंटली इन विच स्टेट वॉज अ सेरेमनी ऑर्गेनाइज टू कॉमेमोरेट 250 ईयर्स ऑफ लॉन्च ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प कॉपर स्टैम्प, तो ये बिहार ने करा है, BPSC वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है, नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाया जाता है, नेशनल मैरीटाइम डे, ठीक है। 3 अप्रैल 2024 को DRDO द्वारा नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का उड़ीसा के तट से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया, जिसकी मारक क्षमता कितनी है, द न्यू जनरेशनल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम, क्या नाम है, अग्नि प्राइम, ठीक है, किसने बनाया, DRDO ने, उड़ीसा के कोस्ट से, कितनी रेंज है, 1000 से 2000 किलोमीटर तक की रेंज है दोस्तों, ठीक है। हाल ही में पुरातात्विक उत्खनन से गुजरात के किस जिले में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हैज़ रिवील 52 ईयर्स ओल्ड हड़प्पन सेटलमेंट, तो ये हमें कच्छ से पता चला, कच्छ गुजरात से। हाल ही में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा डीजी यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला देश का 14वां हवाई अड्डा बन गया है, जो कि किस राज्य में स्थित है, गोवा में है, कहाँ पे, गोवा में। अप्रैल 2024 में किस देश ने सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था, विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर ड्रॉट एज अ नेशनल डिजास्टर, तो जिम्बाब्वे ने दोस्तों डिक्लेयर करा था ड्रॉट को एक नेशनल डिजास्टर, ठीक है, इस साल 2024 में। 16 अप्रैल 2024 को विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है, तो अबू धाबी कर रहा है, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की मेज़बानी कौन, अबू धाबी। अप्रैल 2024 में सेना चिकित्सा कोर्प्स ने अपना डैश स्थापना दिवस मनाया, तो 260वां स्थापना दिवस मनाया, कौन सा, 260वां सेना चिकित्सा कोर्प्स ने। हाल ही में नेशनल इवेंटिंग चैंपियनशिप में व्यक्तिगत खिताब किसने जीता है, हु वॉन द इंडिविजुअल टाइटल इन नेशनल इवेंटिंग चैंपियनशिप, तो ये जीता है स्थवी अस्थाना ने, ठीक है, स्थवी अस्थाना। हाल ही में डियाना सीमे तिवारी का 85 वर्ष की उम्र में दुबई में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित है, डियाना सीमे तिवारी, तो लॉन्ग जंप से संबंधित है, लॉन्ग जंप से। हाल ही में CCI बिलियर्ड्स क्लासिक खिताब किसने जीता है दोस्तों, CCI बिलियर्ड क्लासिक पंकज आडवाणी ने जीता, किसने, पंकज आडवाणी। 29 मार्च 2024 तक भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है कितने बिलियन डॉलर के साथ सर्वकालिक उच्च स्तर पर था, इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वर एट एन ऑल टाइम हाई ऑफ हाउ मैनी बिलियन डॉलर्स एज ऑफ मार्च 29, 2024, तो 645.6 बिलियन डॉलर के साथ, कितना, 645.6 बिलियन डॉलर। अप्रैल 2024 में विशेष सुरक्षा समूह यानी SPG के महानिरीक्षक पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है, तो ये करा गया है लव कुमार को, किसको, लव कुमार को।
हाल ही में किस संस्थान में 5G कार्यशाला के दौरान 100 5G लैब्स के लिए प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल में से एक लॉन्च किया गया है? विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली लॉन्च वन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स? तो ये IIT मद्रास ने करा है, IIT मद्रास। हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम ने बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन परियोजना के लिए, बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन परियोजना के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है? तो ये गेल ने जीता है। किसने? गेल ने दोस्तों। ठीक है, एकल कोशिकाओं के अध्ययन के लिए हाल ही में सी कैंप द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है? सी कैंप द्वारा तो ऑप्टी ड्रॉप लॉन्च करा गया। कौन सा? ऑप्टी ड्रॉप। ठीक है, ऑप्टी ड्रॉप याद रखिएगा। हाल ही में किस कंपनी को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान के लिए 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये SGVN को करा गया। किसको करा गया? सुजलॉन वाली जो एनर्जी है ना, SGVN। ठीक है, 2-3 अप्रैल 2024 को किस शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व NSA अजीत डोभाल ने किया है? तो ये करा अस्ताना कजाकिस्तान में। ठीक है, कजाकिस्तान अस्ताना में। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई है? तो सबसे ज़्यादा डोपिंग भारत में मिला। इन्ना भी ना डोप शोप मारिया करो भारत में। अप्रैल 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने किसे वनों का संरक्षण के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का? तो ये कह रहा नजमी वजीरी। कौन? नजमी वजीरी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडवी के अनुसार भारत किस वर्ष के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा? तो 2025 के अंत तक भारत जो है वो यूरिया का आयात बंद कर देगा, 2025 के अंत तक। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस नेशनल हैंडमेड डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? अप्रैल के पहले शनिवार को, अप्रैल के पहले शनिवार को। हाल ही में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस किस दिन मनाया गया? नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया गया? तो 6 अप्रैल को मनाया गया नेशनल लाइब्रेरी डे। कब? 6 अप्रैल को। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए CPI मुद्रा स्फीति कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो CPI मुद्रा स्फीति रहने का अनुमान लगाया 4.5%। कितना? 4.5%। हाल ही में भारतीय सेना की वायु रक्षा कोर को आकाश तीर परियोजना के तहत कमांड और कंट्रोल सिस्टम मिला है, इसे किस संस्था ने विकसित किया है दोस्तों? तो इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। किसने? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है मानेश शाह को। किसको? मानेश शाह को, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन को। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने अपने यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 के 20वें संस्करण की घोषणा की है, इसमें भूमि पडनेकर सहित कितने भारतीय शामिल हैं? तो भूमि पडनेकर को मिला के 5 भारतीय इसमें शामिल हैं। ठीक है, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस सेलिब्रेटेड? तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 6 अप्रैल को। हाल ही में किस कंपनी द्वारा एक वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया है दोस्तों? वॉइस इंजन, तो इसका अनावरण करा गया है OpenAI द्वारा। कौन सी कंपनी द्वारा? OpenAI के द्वारा। हाल ही में किस देश के एक अनुसंधान केंद्र ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है? रिसेंटली अ रिसर्च सेंटर ऑफ विच कंट्री हैज अनवील्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेजर? तो ये रोमेनिया ने बनाया दोस्तों, दुनिया का सबसे पावरफुल लेजर रोमेनिया। 100वां क्वेश्चन देखते दोस्तों, जैसे जैसे नीचे आएंगे क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट जो होती है वो बढ़ती जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नीचे मिलेंगे आपको ताकि लोग पूरा वीडियो देखें। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस इज सेलिब्रेटेड? तो ये 5 अप्रैल को मनाते हैं दोस्तों। कब? 5 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, लोग ऐसे हैं मतलब हमारे ही से पढ़ के हम ही को गरियाते हैं। मतलब देखिए, आयोग अगर कोई इन्फॉर्मेशन देता है, इस चैनल का नाम ही है UPP से रिलेटेड, जो भी छोटी से बड़ी जानकारी आती है मैं कोशिश करता हूँ सारी जानकारियाँ आपको दूँ, छोटी बड़ी कोई भी हो। अब मैं तो उसको बनाता नहीं, वो जो भी न्यूज़ में आता है, जो भी आयोग की तरफ से आता है, वो ही मैं बताता हूँ सिंपल, कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करता। अब उसमें भी कई लोगों को इतनी दिक्कत, इसीलिए देख रहे हो धीरे धीरे ज्ञान सर इतना मतलब फ्री हम लोग देते ना, फ्री ज्ञान सर इसीलिए बंद करेंगे, हम ही से पढ़ गए हम ही को गरिया रहे हैं सब, तो क्या ही फ़ायदा हो रही है? इतनी सुविधा भी दे रहे, सुविधा को लोग अधिकार समझने लग रहे हैं, है ना, इतनी सुविधा दो सब कुछ करो। यार आप समझते हो ये जो करंट अफेयर्स इसको बनाने में कितनी टीम लगती है, पूरी टीम कितनी रिसर्च करती है, इतने रिसोर्सेज लगते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर रूम्स में ये सब, और आपको फ्री मिलता था, फिर भी लोग गरिया रहे, कोई प्रेज ही नहीं करता है, तो
तो ऐसे थोड़ी होता है यार, चीज़ें मिल रही हैं फिर भी वही है ना, जो चीज़ बहुत आसानी से मिलती है उसकी कदर ही नहीं होती। इसलिए सर देख रहे हो हर चीज़ प्राइवेट इसीलिए करते जा रहे हैं इन्हीं बच्चों की वजह से। चलिए खैर 101 देखते हैं। अप्रैल 2024 में पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? पीटर पेलेग्रिनी ने तो ये जीता स्लोवाकिया का। किसका? स्लोवाकिया का। कमेंट में दोस्तों स्लोवाकिया, पोलैंड, यूक्रेन और रोमेनिया, इसकी राजधानी क्या बताओगे? चलो मैं ही बता देता हूँ एग्जाम के लिए, क्योंकि कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं रोमेनिया की, ठीक है? तो रोमेनिया की कैपिटल क्या है? बुचरेस्ट। क्या है दोस्तों? ठीक है, बुखारेस्ट, नाम याद रखिएगा, बुखारेस्ट। यूक्रेन का पता ही होगा दोस्तों, कीव है। यूक्रेन का क्या है? कीव है ना, कीव। पोलैंड का वॉरसॉ। पोलैंड का क्या है? वॉरसॉ है पोलैंड का, ठीक है। और वही स्लोवाकिया का क्या है? काफ़ी अच्छा है, ब्रातिसाल्वा, ठीक है, ब्रातिसाल्वा है ना। तो ये चार कैपिटल याद रखते हैं, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। अप्रैल 2024 में विप्रो लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये करा श्रीनिवास पल्लिया ने, श्रीनिवास पल्लिया। अप्रैल 2024 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल जॉन की अध्यक्षता में संयुक्तता एवं एकीकरण पर प्रथम त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल, तो लद्दाख में करा गया। ये कहाँ पे? लद्दाख में। हाल ही में ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली ऑनर्ड विद ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड? तो ये मिला है किसको? डॉक्टर निकेश जैन मधानी, डॉक्टर निकेश जैन मधानी को। अप्रैल 2024 में अमेरिका और किस देश ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल के परीक्षण करने के लिए साथ काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये करें यूके ने। किसने? यूके ने, याद रखिएगा, यूएस और यूके ने। हाल ही में किस देश की टीम ने विश्व रग्बी सेवन सीरीज 2023-24 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब जीता है? तो ये न्यूजीलैंड ने जीता है दोस्तों, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने विश्व नंबर 3 के खिलाड़ी हिकारू नाकामूरा पर जीत हासिल की है? विच इंडियन चेस प्लेयर रिसेंटली वॉन ओवर वर्ल्ड नंबर 3 प्लेयर हिकारू नाकामूरा? तो ये विदित गुजराती। कौन है? विदित गुजराती। हाल ही में F1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स, कौन था? F1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। किसने? मैक्स वेरस्टैपेन। जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा दोस्तों? हु विल बी अवार्डेड जर्मन डेमोक्रेसी अवार्ड? तो ये यूलिया नवलनाया को मिलेगा। किसको? यूलिया नवलनाया, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने 6 अप्रैल 2024 को किस राज्य में भारतीय तटरक्षक जली केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये कर रहा है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। हाल ही में किस राज्य के एक छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा को भौगोलिक संकेत मिला है दोस्तों? तो इस पर मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था, तो ये महाराष्ट्र का है दोस्तों, महाराष्ट्र का। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखी? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, तो लिखी सैम पित्रोदा की बुक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। कौन सी? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 किस दिन मनाया गया दोस्तों? ऑन विच डे वॉज वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व विद द थीम ऑफ माई हेल्थ माई राइट? तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है बहुत, माई हेल्थ माई राइट। हाल ही में किसे समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के सफल संचालन के लिए ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया? ऑन द स्पॉट यूनिट सिटेशन, तो ये मिला है INS सारदा को। 1 से 2 अप्रैल 2024 तक तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित करा गया है लक्षद्वीप में। कहाँ पे? लक्षद्वीप में। हाल ही में गंगू रामजे का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? फिल्म निर्माता थे। प्रसिद्ध क्या थे? फिल्म निर्माता। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने आई लीग 2023-24 का खिताब जीता है? तो आई लीग 2023-24 का खिताब जीता है मोमडन स्पोर्टिंग। किसने? मोमडन स्पोर्टिंग ने। हाल ही में किस देश के जॉन अल्फ्रेड टिन्सवुड को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का खिताब दिया गया है? तो ये यूके के हैं दोस्तों, जॉन अल्फ्रेड टिन्सवुड। हाल ही में किस देश की वैलरी एडम्स को टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु के 16वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया? तो ये न्यूजीलैंड के दोस्तों, कहा था न्यूजीलैंड के। अप्रैल 2024 में 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 16 फाइनेंस कमीशन। कौन बने दोस्तों? मनोज पांडा। कौन बने हैं? मनोज पांडा। हाल ही में किस देश ने नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च की है। तो ये करिए जिम्बाब्वे ने दोस्तों, जिम्बाब्वे। चेन्नई में कांसलूर दिवस 2024 कार्यक्रम में किसे
मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, मेडल ऑफ ऑनर से। तो ये सम्मानित करा गया नीरज शर्मा को, नीरज शर्मा को, ठीक है। हाल ही में किस हॉस्पिटल में ASCRS 2024 वार्षिक बैठक में सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार जीता किसने? डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल। इस टाइप की चीज़ें भी कभी कभी पूछ लेता है। अप्रैल 2024 में एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा का परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? हु इज बीन अपॉइंटेड एज अ ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशनल चीफ बाय एयर इंडिया? तो जयराज सनमुगम को, जयराज सनमुगम। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हर साल अपना शौर्य दिवस किस दिन मनाता है? CRPF अपना ब्रेवरी डे कब मनाता है? 9 अप्रैल को। कब? 9 अप्रैल को। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा अप्रैल 2024 में जापान, अमेरिका, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास कहाँ किया है दोस्तों? तो ये साउथ चाइना सी या दक्षिण चीन सागर में करा है। हाल ही में खबरों में रहा सुखना वन्यजीव अभ्यारण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ में सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ सकता है एग्जाम में, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंडीगढ़। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बिल्किस मीर पेरिस फ्रांस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो ये जम्मू कश्मीर में, कहाँ है? जम्मू कश्मीर। वर्ष 2024 में इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम की खोज की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अब इसकी खोज करी किसने थी दोस्तों इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम की? तो हैंस बर्गर ने करी थी, हैंस बर्गर, मैकडोवल के बर्गर। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने किस राज्य के सूर्यपेट जिले में फणिगिरी स्थल पर इछवाकू काल के सिक्के का भंडार खोजा है? तो ये इछवाकू काल के सिक्के मिले तेलंगाना से। कहाँ से? तेलंगाना से। दोस्तों देखिए, करंट अफेयर्स बिल्कुल अवॉइड मत करिए, 30 से 35 सवालों का प्रश्न है दोस्तों, है ना। 30 से 35 सवाल आते हैं और बहुत ही कम। देखिए और सब्जेक्ट में क्या, पूरी हिस्ट्री भरो, पूरी पॉलिटी, पूरा ज्योग्राफी, तब जाके कहीं 10-15 सवाल मिलते। करंट कुछ नहीं, आप डेली न्यूज़पेपर फॉलो करो, हमारा वीडियो मंथली फॉलो करो, मंथली मैगजीन, फिर करंट अफेयर्स का हमारा पेड क्विज लगा लो आप, है ना। बस इनफ है करंट अफेयर्स को, जो डेली अपना उसको बांधे रखे, डेली न्यूज़पेपर की रीडिंग बहुत जरूरी है। और फिर एक वीडियो देख लो, एंड तुम्हें हमारा नोट्स के चक्कर में मत बनो, वो तो हम बना के आपको देंगे, है ना। करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने के चक्कर में ना पड़ो, उसकी जगह कुछ और नोट्स बना दो। तो इसको ज़रूर फॉलो करो ताकि आप अच्छे से अच्छे करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन छूटे ना, है ना। और जैसे ही मान लीजिए अब मई चल रहा है, ठीक है, अब मई में क्या करा पीछे का, मई जब तक चल रहा है, मई भर में, हफ्ते भर में एक महीने का कंटेंट हो जाता है, और मई में 4 हफ्ते हुए भाई, अगर ऐसे डिवाइड करो 7, 7, 7, तो 7 दिन में एक महीने का, 7 दिन में एक महीने का, 7 दिन में एक महीने का, ठीक है। 21 दिन में क्या करा, 3 महीने का करंट रिवाइज करा, फिर 7 दिन जो एंथ के बचे, 9 दिन बच गए, 21, 9, 30, वो पूरा फिर से 3 महीने का रिवाइज कर लिया। एक महीने में कहने का मतलब है जो प्रेजेंट महीना है उसमें पीछे के 3 महीने का रिविजन होगा हर बार, ये स्ट्रैटेजी चलेगी। चलिए, वित्तीय समूह पेंटोमैथ ग्रुप की रिकैप 2024 क्रिस्टल गेज 2025 नामक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत का पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा? तो भारत का पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन $10 ट्रिलियन की पहुंचेगी 2030 तक दोस्तों। हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया गया? हॉकी इंडिया बलजीत सिंह अवार्ड तो ये दिया गया है PR श्रीजेश को, PR श्रीजेश। 5 से 6 जून 2024 तक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के द्वारा देश में क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किया जाएगा? कहाँ पे? सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में। 9 से 17 अप्रैल तक किस संस्थान के द्वारा देश के 7 अलग अलग शक्तिपीठों में शक्ति संगीत और नृत्य का एक उत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ये संगीत नाटक अकेडमी में करा जाएगा। कहाँ? संगीत नाटक अकेडमी। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का जो पहला चरण है वो 30 अप्रैल से 9 मई तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? रांची में करा जाएगा, नेशनल ह्यूमन हॉकी लीग। कहाँ? रांची। हाल ही में किस कंपनी ने भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलेंस सैटेलाइट TSAT-1, नाम याद रखिएगा, विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलेंस TSAT-1 है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। किसने? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। छाबार के बाद हाल ही में भारत को किस देश में दूसरी विदेशी बंदरगाह सितवे को संचालित करने का अधिकार मिल गया है? तो आफ्टर छाबार इंडियाज रिसेंटली गॉट द राइट टू ऑपरेट सितवे द सेकेंड फॉरन पोर्ट इन विच कंट्री? तो सितवे पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यांमार में, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 5 स्टार बनाइए इसको। भारतीय नौसेना 6 अक्टूबर 2024 को किस शहर में हाफ मैराथन का आयोजन करेगी? इन विच सिटी विल द इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज हाफ मैराथन ऑन October 6? तो ये नई दिल्ली में करेगी। कहाँ पर? नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय सेना को किस देश में एगला एस
मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का पहला बैच मिला है। रिसेंटली इंडियन आर्मी हैज़ रिसीव फर्स्ट बैच ऑफ इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम विच कंट्री, तो ये रशिया से मिला है दोस्तों। इग्ला एस कहाँ से? रशिया से। हाल ही में किस संस्थान ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया? विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली इन्वेंटेड नैनो सेंसर्स फॉर रैपिड डिसीज डिटेक्शन, तो IIT जोधपुर ने, IIT जोधपुर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पिन दिवस, ऑन विच डे इंटरनेशनल सेफ्टी पिन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो ये मनाते हैं 10 अप्रैल को। कब? 10 अप्रैल को। हाल ही में किस कंपनी ने परिधान और फैशन उद्योग के लिए एक जेनरेटिव AI संचालित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये नवन AI ने करा। किसने? नवन AI। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक आई कैन कोच किसने लिखी दोस्तों? आई कैन कोच, ये लिखी सिद्धार्थ राजशेखर ने, सिद्धार्थ राजशेखर। हाल ही में इसरो के किस मिशन टीम को स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसरो मिशन टीम वॉज अवार्डेड 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट JR अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन बाय स्पेस फाउंडेशन। किसके लिए? तो चंद्रयान 3 के लिए ये अवार्ड मिला है। भारत सरकार किस राज्य में पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण विकसित करेगी? इंडियन गवर्नमेंट विल डेवलप द फर्स्ट कमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजिक स्टोरेज इन विच स्टेट, तो कर्नाटका में करेगी। कहाँ? कर्नाटक। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग में सिंगापुर नंबर 1 पर। कौन? सिंगापुर। हाल ही में जारी परमाणु ऊर्जा आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता 1,00,000 मेगावाट हो जाएगी? तो 2047 तक जो है दोस्तों 1,00,000 मेगावाट तक हो जाएगी परमाणु ऊर्जा की जो एट कैपेसिटी है वो, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च की है? बूथ राबता वेबसाइट, तो ये दोस्तों पंजाब ने करी। किसने? पंजाब ने, ठीक है। हाल ही में NTPC ने किस राज्य में स्थित बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1, नाम याद रखना, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो ये बिहार में है, BPSC वालों के लिए काफ़ी रेलिवेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खैर, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी 8वां शतक लगाकर IPL के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने वाला खिलाड़ी बना है? विच प्लेयर हैज़ रिसेंटली बिकम द प्लेयर टू स्कोर द मोस्ट सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ IPL बाय स्कोरिंग 8th century? तो ये बना विराट कोहली, हमारे वन एंड ओनली विराट कोहली। हाल ही में किस देश के रश कुक 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले पहले व्यक्ति बन गए? भैया देख लो, यहाँ आदमी 1 किलोमीटर नहीं दौड़ रहा, 16,000 किलोमीटर दौड़ चुके हैं। रश कुक UK के हैं, ये कहाँ के? UK के। अप्रैल 2024 में भारत की जगजीत पावड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुना गया। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय वियना में। कहाँ पे? वियना में। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा, हाल ही में खबरों में रहा ज़ापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में है? ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, देखा होगा आपने, इसको उड़ा भी दिया था अभी रशिया ने, तो ये यूक्रेन में है। कहाँ पे? यूक्रेन में। हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 75 दिन पूर्व योग महोत्सव आयोजित किया गया है? रिसेंटली इन विच सिटी वॉज योग महोत्सव ऑर्गेनाइज 75 days बिफोर इंटरनेशनल योगा डे? तो पुणे में हुआ है दोस्तों। इंटरनेशनल योगा डे कब होता है आपको पता है तो कमेंट में बताइए दोस्तों। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के सम्मान में विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे। अप्रैल 2024 में NTPC ने बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का शुभारंभ किया। इस मिशन को 392 प्रतिभागियों के साथ एक प्रतियोगी परियोजना के रूप में किस वर्ष शुरू किया गया था? 2018 में इसको शुरू किया गया। कब? 2018। क्ले पर ATP मास्टर्स 1000 एकल मैच जीतने वाले बने पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है दोस्तों? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल टेनिस प्लेयर टू विन ATP मास्टर्स 1000 सिंगल मैचेज ऑन क्ले? तो ये सुमित नागल जीते हैं। कौन? सुमित नागल। किस देश की सेना द्वारा एवरेस्ट क्षेत्र में माउंटेन क्लीनिंग अभियान शुरू किया गया है? माउंटेन क्लीनिंग अभियान नेपाल ने शुरू करा है। अब देख लो, माउंट एवरेस्ट तक पे इतना ट्रैफिक जाम होने लगा, हर कोई माउंट एवरेस्ट ही चढ़ रहा है। 8 अप्रैल 2024 को बॉम्बे स्टॉक मार्केट कैप पहली बार कितने लाख करोड़ तक पहुंच गई? बॉम्बे स्टॉक मार्केट का कैप तक 400 लाख करोड़। कहां तक? 400 लाख करोड़। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कौन सा राज्य देश में केले का सबसे अधिक उत्पादन कर रहा है? विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इन द कंट्री ऑफ 20 in the financial year 2022-23? आंध्र प्रदेश दोस्तों बनाने के प्रोड्यूशन में नंबर 1 है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश के बाद भी कौन आता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी उसके बाद में आता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी। हाल ही में खबरों में रही पंडारम भूमि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है पंडारम लैंड? तो पंडारम दोस्तों लक्षद्वीप में है, पंडारम लैंड लक्षद्वीप, याद रखिए काफ़ी न्यूज़ में थी। अप्रैल 2024 में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री साइमन हैरिस बने, साइमन हैरिस। हाल ही में खबरों में रही मीठे पानी की झील लॉफनिग किस देश में स्थित है? लेक लॉफनिग, ये आयरलैंड में। लेक लॉफनिग कहाँ है? आयरलैंड में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है लेक, पूछ सकता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। प्रतिवर्ष विश्व स्काउट दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड स्काउट डे, वर्ल्ड स्काउट डे 22 फरवरी को मनाते हैं। कब? 22 फरवरी को। हाल ही में किसे राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो हेलन को मिला ये, किसको? हेलन को। हाल ही में जारी WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है दोस्तों? तो हेपेटाइटिस और बी और सी में भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है, किसने? दूसरे। 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नवरेह उत्सव का आयोजन किया गया? नवरेह उत्सव, इसका आयोजन जम्मू एंड कश्मीर में किया गया। कब? जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। इस इंडेक्स में भारत 67 यूनिकॉर्न के साथ किस स्थान पर है दोस्तों? भारत के पास 67 यूनिकॉर्न है दोस्तों, समझो भारत तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर। गॉड पार्टिकल की खोज करने वाले वैज्ञानिक पीटर हक्स का मार्च 2024 में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष भौतिकी के नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2013 में मिला था पीटर हिक्स को, और इन्होंने गॉड पार्टिकल की खोज करी थी, ठीक है। गॉड पार्टिकल, पूछ सकता है आपसे गॉड पार्टिकल किसने करी थी? पीटर हिक्स। अप्रैल 2024 में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? वुमेन्स हॉकी टीम का कोच, तो हरेंद्र सिंह को करा गया, किसको? हरेंद्र सिंह को। हाल ही में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने पहली बार जलवायु संकट संबंधी मामलों में किस देश की सरकार के विरुद्ध फैसला सुनाया? तो स्विट्जरलैंड की सरकार के विरुद्ध फैसला सुनाया, किसके? स्विट्जरलैंड। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है दोस्तों? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन ब्रांच इन लक्षद्वीप? तो HDFC ने अपनी ब्रांच खोली लक्षद्वीप में दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अप्रैल 2024 में ADB ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि को अपने अनुमान पिछले अनुमान 6.7% से बढ़कर कितने प्रतिशत कर दिए? 7% कर दिए, कितने? 7। डिमेंशिया के निदान के क्षेत्र में शोध कर रही ब्रिटेन की टीम ने किस भारतीय मूल के विशेषज्ञ को शामिल किया है दोस्तों? तो डॉक्टर अश्विनी केशवन को शामिल किया, डॉक्टर अश्विनी केशवन। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है दोस्तों? इसरो हैज टारगेटेड टू लॉन्च चंद्रयान 4 मिशन बाय विच ईयर? 2028 तक। हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस राज्य में पल्लव काल की 8वीं शताब्दी की कोटरावाई मूर्ति कला का पता लगाया? रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट अनअर्थ द 8th सेंचुरी कोटरावाई स्कल्पचर ऑफ द पल्लव पीरियड इन विच स्टेट? तो तमिलनाडु में पता लगाया इसका, तमिलनाडु। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जिसे हाल ही में जनता के लिए खोला गया है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। कान फिल्म महोत्सव 2024 में मानद पाल्मे डी ओर पुरस्कार, पाल्मे डी ओर पुरस्कार किसको मिला है? स्टीवन स्पीलबर्ग पाल्मे डी अवार्ड। हाल ही में किस देश ने अपने नए प्रमुख रॉकेट H3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? विच कंट्री रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च इट्स न्यू फ्लैगशिप रॉकेट H3? तो जापान ने लॉन्च करा है, ठीक है। हाल ही में जारी विश्व व्यापार संगठन की नवीनतम वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल सर्विस सेक्टर में भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा निर्यातक बना है? तो भारत दुनिया का 4th सबसे बड़ा निर्यातक बना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट में पर्पल फ्रॉग के संरक्षण के लिए एक विशेष कोष की स्थापना की है? पर्पल फ्रॉग। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली सेटअप स्पेशल फंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ पर्पल फ्रॉग इन वेस्टर्न घाट? तो तमिलनाडु में करी, ठीक है, तमिलनाडु। किस शहर में स्थित कमांड अस्पताल सफल पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बना है? कमांड हॉस्पिटल लोकेटेड इन विच सिटी बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द कंट्री टू सक्सेसफुली परफॉर्म पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट? तो ये पुणे में है, कहाँ पे? पुणे में। प्रतिवर्ष मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल को मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। हर साल विश्व पार्किंसंस दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड पार्किंसन डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड पार्किंसन डे 11 अप्रैल को मनाते हैं, वर्ल्ड पार्किंसन डे। नेपाल में UPI को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस कंपनी ने ई सेवा और HAN पोखरा के साथ साझेदारी की है?
तो ये करिए फ़ोन पे के साथ। किसके साथ? फ़ोन पे के साथ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अप्रैल जून 2024 मौसम के लिए चक्रवात पूर्व अभ्यास कहाँ आयोजित करा है? न्यू दिल्ली में करा है। कहाँ? न्यू दिल्ली में। 10 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट स्पोर्ट जहाज़ों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर वॉज द फर्स्ट स्टील कटिंग सेरेमनी ऑफ फ्लीट सपोर्ट शिप्स फॉर द इंडियन नेवी हेल्ड ऑन 10 अप्रैल 2024? तो ये विशाखापट्टनम में करा गया। 11 से 16 अप्रैल 2024 तक एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजन करी जाएगी? एशियन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप किर्गिस्तान में। कहाँ पे? किर्गिस्तान में। हाल ही में धर्मगुरु को जनता के कल्याण और मानवता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये लोकेश मुनि को करा गया, लोकेश मुनि। हाल ही में किस राज्य में सरहुल त्यौहार मनाया जा गया है? कौन सा सरहुल त्यौहार? तो ये झारखंड में मनाया गया, सरहुल फेस्टिवल। अप्रैल 2024 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में 17,000 फुट की ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का अभ्यास किया है? तो ये सिक्किम में कराए। कहाँ पे? सिक्किम में। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में विकास अध्ययन के लिए भारत में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। कौन? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा 3200 मेगापिक्सल डिजिटल कैमरा तैयार किया गया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट 3200 मेगापिक्सल डिजिटल कैमरा बीन मैन्युफैक्चर्ड? तो अमेरिका में करा गया है। हाल ही में सुविधा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सुविधा पोर्टल, तो सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा, या इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया इसको। हाल ही में जारी थिंक टैंक इन्फ्लुएंसर मैप की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 वर्षों में जीवाश्म ईंधन और सीमेंट में दुनिया में कार्बन उत्सर्जन के कितने प्रतिशत हिस्से के लिए सिर्फ 57 कंपनियां और देश जिम्मेदार हैं? तो 80% के लिए। कितना? 80% के लिए। भारत ने विपणन वर्ष 2022-23 में किस खाद्यान्न को खरीदने के लगातार 5वीं बार विश्व व्यापार संगठन या WTO के शांति खंड का इस्तेमाल किया है? तो चावल के लिए करा। किसके लिए? चावल के लिए। हाल ही में किस कन्नड़ लेखिका को वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स के द्वारा विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये करा गया है ममता जी सागर को। किसको? ममता जी सागर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया है? किसने भैया? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। 12,349 किलोमीटर। कितना? 12,349 किलोमीटर। बहुत ही ह्यूज अमाउंट है ये, जो कि एक साल में बढ़ा। चलिए 201 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों विच कंट्री रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड अंगारा A5 स्पेस रॉकेट? तो ये रूस ने करा है, रशिया ने करा है। ठीक है, कह रहे हैं कौन सी कंपनी गुजरात के कच्छ जिले के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित कर रही है? विच कंपनी सेटिंग अप द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन खावड़ा इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? तो अडानी ग्रीन एनर्जी कर रही। कौन कर रहा है? अडानी ग्रीन एनर्जी। 203 देखते हैं। अप्रैल 2024 में जारी मूडीज एनालिटिक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर वर्ष 2024 में कितनी रहने वाली है? तो 6.1% बताई गई है। चगास रोग से निपटना, जल्दी पता लगाएं और जीवन की देखभाल करें, इसकी थीम के साथ विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड चगास डिसीज। थीम क्या रही है? टैकलिंग चगास डिसीज, डिटेक्ट अर्ली एंड केयर फॉर लाइफ। ये 14 अप्रैल को मनाया गया। कब? 14 अप्रैल। अप्रैल 2024 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? हुज अपॉइंटमेंट एज ज्वाइंट डायरेक्टर इन CBI वॉज अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट? तो ये अनुराग कुमार की हुई अपॉइंटमेंट। किसकी? अनुराग कुमार। किस संस्थान ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 45वीं रैंक हासिल की है? तो ये IIT बॉम्बे ने रखी। किसने? IIT बॉम्बे ने। हाल ही में लगी आग के कारण खबरों में रहा वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरल में। कहाँ पे है? केरल में। अप्रैल 2024 में फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट तो ये IMF ने जारी करी है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने जारी करी है। एनर्जी कार्गो ट्रैकर वोट्रेक्सा की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयातक के रूप में भारत से आगे निकल गया है? तो चीन निकल गया है दोस्तों इस मामले में, भारत से आगे। कह रहा है सी डोम रक्षा प्रणाली को किस देश ने विकसित किया है? विच कंट्री हैज डेवलप सी डोम डिफेंस सिस्टम? तो इसराइल ने कराया डेवलप। किसने? इसराइल ने।
हाल ही में व्यापार उपचार महानिदेशालय ने चीन और दक्षिण कोरिया से सोडियम साइनाइड के आयात पर 5 साल के डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करी है। किसने? दक्षिण कोरिया से। चीन ने करी, ठीक है, चीन और दक्षिण कोरिया से। DGTR किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? ठीक है, जो DGTR है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आता है। किसमें? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य में स्थित तेल अभ्यारण्य में नेप्टिस फिलोरा नामक एक दुर्लभ तितली प्रजाति खोजी गई है? रिसेंटली अ रेयर बटरफ्लाई स्पीशीज नेम नेप्टिस फिलेरा हैज बिन डिस्कवर्ड इन तेल सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। अप्रैल 2024 में न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। यह अकादमी किस शहर में है? नेशनल जुडिशियल अकादमी, ये भोपाल में है। कहाँ पे है? भोपाल में। अप्रैल 2024 में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने प्रमुख रेपो रेट को डैश पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है, तो 6.5%। कितना? 6.5%। अप्रैल 2024 में ब्रिटेन ने किसे भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त की है? हु हैज़ ब्रिटेन अपॉइंटेड एज इट्स फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया? तो लिंडी कैमरून को करा है। किसको? लिंडी कैमरून। हाल ही में किस देश की वाहन निर्माता कंपनी सिट्रोएन भारत से EV निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी बनी? तो ये फ्रांस है दोस्तों। कौन बनी है? फ्रांस। भारतीय सेना द्वारा हर साल सियाचिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? सियाचिन डे कब मनाते हैं? 13 अप्रैल को मनाते हैं सियाचिन डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। अप्रैल 2024 में भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है दस्तलिक, तो उज्बेकिस्तान भारत के बीच में कौन सा होता है? दस्तलिक। कौन सा संस्करण हुआ इस बार? ये 5वां संस्करण हुआ है। कौन सा? 5वां। भगवान राम के धनुष और बाण के आकार का उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉच ब्रिज किस जिले में बनकर तैयार हो गया है? चित्रकूट में हो गया दोस्तों। धनुष और बाढ़ गए ग्लास स्काई वॉक, जैसे चाइना वगैरह में चलते थे कांच के ग्लास स्काई वॉक। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में रूस शीर्ष स्थान पर है, ठीक है, वर्ल्ड साइबर क्राइम में रूस शीर्ष पर। भारत की क्या रैंकिंग है? तो भारत की 10वीं रैंकिंग है। कितनी है? 10वीं। हाल ही में DRDO और भारतीय सेना ने MPA TGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है MPA TGM का? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्या है? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। भारत की महिला पहलवान राधिका ने किर्गिस्तान के बिस्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर पदक जीता है। कौन सा? सिल्वर। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक्स हटाने के लिए हाइड्रोजेल का आविष्कार किया है? ठीक है, तो ये करा है ISCC बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। 224 कर रहा है, हर वर्ष दुनिया भर में विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड आर्ट डे। वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 15 अप्रैल को। 225 देखते हैं, 15 अप्रैल 2024 को किस समुदाय द्वारा पोइला बैसाख उत्सव मनाया गया? पोइला बैसाख उत्सव, तो ये बंगाली द्वारा मनाया गया है। पोइला बैसाख उत्सव बंगाली समुदाय। हाल ही में किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब अपने नाम किया है? तो रश्मि कुमारी ने करा है 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब अपने नाम। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल 2024 में भारत ने किस देश के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले कई संगठनों को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी हैं? तो ये नेपाल में दी हैं। किसको? नेपाल को। अंतरिक्ष की सैर करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन है दोस्तों? हु विल बी द फर्स्ट इंडियन टूरिस्ट टू ट्रैवल स्पेस? गोपी थोताकुरा। कौन है? गोपी थोताकुरा, जो स्पेस घूम के आए। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को हॉवर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया है? साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया है अवंतिका वंदनपू। हर वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, और डॉक्टर BR अंबेडकर को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो 1990 को उनको मिला था भारत रत्न। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, ये किसने लिखी है? लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, तो रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह, इन दोनों ने लिखी है। रमन मित्तल सीमा सिंह, याद रखिए। हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? गोंड पेंटिंग, तो ये MP की है, गोंड ट्राइब भी वहीं रहती है, तो इसको GI टैग मिला है MP से गोंड पेंटिंग। विश्व क्वांटम दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड क्वांटम डे 14 अप्रैल को मनाते हैं, वर्ल्ड क्वांटम डे, ठीक है, वर्ल्ड क्वांटम डे। हाल ही में किस भारतीय को वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 जॉन डक्स कनाडा गैडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये करा गया डॉक्टर गगनदीप कांग को।
13 अप्रैल को हर साल जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस के रूप में याद किया जाता है। यह घटना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों पता होगा 13 अप्रैल 1919 को रॉयल अटैक्ट के विरोध में घटना हुई थी। दोस्तों अप्रैल 2024 में ईरान ने इसराइल के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया दोस्तों? तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस देखा होगा। अभी इसराइल ने एम्बेसी पर अटैक कर दिया जिसके अटैक में रिटेलिएट करा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ईरान ने। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका की वीकली मैगजीन न्यूज़वीक के कवर पेज पर जगह पाने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने। पहला कौन था दोस्तों? तो पहली थी इंदिरा गांधी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। पीएम नरेंद्र मोदी बिकम द सेकेंड पीएम टू गेट अ प्लेस ऑन द कवर पेज ऑफ अमेरिकाज वीकली मैगजीन न्यूज़वीक, ठीक है। नाइफ अ हेरोइंग टेल ऑफ रिजाइलेंस एंड अ फाइट फॉर फ्री स्पीच इज हुज मेमोरी, ये किसने किसका संस्मरण है दोस्तों? ये किसका संस्मरण है? नाइफ अ हेरोइंग टेल ऑफ रिजाइलेंस एंड अ फाइट फॉर फ्री स्पेस, तो ये सलमान रसूदी का है। किसका है? सलमान रसूदी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में निजी उपयोग और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक से कितने करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 17 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा। कितना? 17 करोड़ टन। हाल ही में दीपेंद्र सिंह एरी T20 मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाकर युवराज और पोलार्ड की सूची में शामिल हो गए। दीपेंद्र सिंह एरी किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये नेपाल के खिलाड़ी हैं। भारत सरकार ने अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में कितने ग्राम का रंगीन स्मारिका चांदी का सिक्का जारी किया है? तो 50 ग्राम का सिक्का जारी करा है, 50 ग्राम। अप्रैल 2024 में विश्व की सबसे बुजुर्ग जीवित जुड़वा बहन लोरी और जॉर्ज, कौन? लोरी और जॉर्ज सर्पेल का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस देश से संबंधित है? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। अप्रैल 2024 में विप्रो ने तत्काल प्रभाव से किसे अमेरिका की एक रणनीतिक बाजार इकाई का CEO नियुक्त किया है? तो मलय जोशी को करा। किसको? मलय जोशी। हर वर्ष दुनिया भर में विश्व आवाज़ दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे वर्ल्ड वॉइस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो 16 अप्रैल को मनाते हैं। कब? 16 अप्रैल। अप्रैल 2024 में राष्ट्रीय आवास बैंक यानी NHB का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द MD ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक? तो ये संजय शुक्ला को करा गया, संजय शुक्ला। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी ने 2024 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? किसने? जोनाटन क्रिस्टी ने। तो ये इंडोनेशिया में, कहाँ के? इंडोनेशिया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बने, रोहित शर्मा। अप्रैल 2024 में चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी ने किस अभिनेता को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित करा है? तो रामचरण को करा है। किसको? रामचरण। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है स्पेस इंडिया ने? तो संजना सांघी को करा। किसको? संजना सांघी को। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर डेरेक अंडरवुड, क्या डेरेक अंडरवुड का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इंग्लैंड के। कहाँ के? इंग्लैंड के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अप्रैल 2024 में भारत और किस देश ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में संशोधन के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये मॉरिशस के साथ करें। किसके साथ? मॉरिशस के साथ। हाल ही में एयरपोर्ट्स काउंसिलिंग इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का डैश सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है? तो 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है दोस्तों, दिल्ली का इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। हाल ही में खबरों में रही हॉर्मूज जल डबरू बंद या हॉर्मूज जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वो किसको अलग करता है दोस्तों? ओमान और ईरान को अलग करता है दोस्तों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पढ़ा होगा आपने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज मैप देख लीजिए एक बार। हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद ने किस टीम के खिलाफ IPL के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया 287 रन? तो RCB के खिलाफ बना है दोस्तों 287 रन। हाल ही में किस खिलाड़ी ने तीसरा ATP मोटे कार्लो मास्टर्स 1000 खिताब जीता? विच प्लेयर रिसेंटली वन द थर्ड ATP मोंटे कार्लो मास्टर्स 1000 टाइटल? तो ये जीता स्टेफेनोस सित्सिपास, नाम याद रखिए, स्टेफेनोस सित्सिपास। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन सा स्टेडियम हाइब्रिड पिच तकनीक लागू करने वाला पहला भारतीय स्टेडियम बन गया दोस्तों? तो HPCA स्टेडियम धर्मशाला। कौन? HPCA स्टेडियम धर्मशाला। महिंद्रा समूह द्वारा 150 मेगावाट की हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो ये महाराष्ट्र में करी जा रही है। कहाँ? महाराष्ट्र में। हाल ही में जारी ईए अर्थ एक्शन की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया के 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार 12 देशों में से सूचीबद्ध नहीं है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज ईए अर्थ एक्शन रिपोर्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज नॉट लिस्टेड अमंग 12 कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर 60% वर्ल्ड मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट। तो इंडोनेशिया भी है, चीन है, भारत है, बांग्लादेश इसमें नहीं है दोस्तों। भारत ने 2023-24 में कितने गीगावाट की रिकॉर्ड नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है? इंडिया हैज़ एडेड अ रिकॉर्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ हाउ मैनी गीगावाट्स? तो 18.48 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस इंटरनेशनल टर्बन डे कब मनाते हैं? तो इंटरनेशनल टर्बन डे 13 अप्रैल मनाते हैं। कब मनाते हैं? 13 अप्रैल को। हाल ही में किस संस्था ने कॉरपोरेट क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉनिटर रिपोर्ट जारी करी है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज कॉरपोरेट क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉनिटर रिपोर्ट? तो न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ने इसको लॉन्च करा। किसने? न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। हाल ही में भारत में पहली बार किस राज्य में स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एक यूरेशियन ऑटर या ऊद बिलाव को रेडियो टैग लगाया गया है? तो ये लगाया गया दोस्तों मध्य प्रदेश में है, पता होगा आपको कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की नियेशी जनजाति द्वारा लंगोटे महोत्सव, कौन सा लोंगटे महोत्सव मनाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, अरुणाचल प्रदेश लोंगटे फेस्टिवल। हाल ही में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के आंकड़ों के अनुसार साल 2000 के बाद से भारत में कितने मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र कम हो गया है दोस्तों? तो समझ लो भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र कम हुआ है। उसी का ये प्रभाव आप देख सकते हो कैसे प्रचंड गर्मी हो रही है। अप्रैल 2024 में किसे नए 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये करा गया क्रिस्टियाना जॉर्जीवा, क्रिस्टियाना जॉर्जीवा को। ठीक है, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, कमेंट में बताइए अगर बताओ आपको। रक्त विकारों को पहचानने के लिए सभी के पास समान पहुंच थीम के साथ विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया गया? क्या है थीम इस बार की? रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया गया। कब? 17 अप्रैल। अप्रैल 2024 में अहमद अब्दुल्ला अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? कुवैत के बने। कहाँ के? कुवैत के। हाल ही में किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक AV विगडरसन को 2023 ACM AM ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये इसराइल के हैं। कहाँ के? इसराइल के दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, मेनिनजाइटिस क्या है भैया? मेनिनजाइटिस के खिलाफ नया टीका MEN-5CV पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है दोस्तों? तो नाइजीरिया बना है। कौन बना है? नाइजीरिया। केंद्र के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यानी GCP को लागू करने में कौन सा अग्रणी राज्य रहा है? तो MP रहा है दोस्तों, जिसने जो ग्रीन कार्ड प्रोग्राम है उसको लॉन्च करने में सबसे आगे रहा है। कौन? MP। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समुद्री जीवन को बढ़ावा देने के लिए भारत की कृत्रिम भित्तियों की दूसरी स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये करी जा रही है दोस्तों वर्ली कोलीवाड़ा मुंबई। PROBA-3 मिशन किस स्पेस एजेंसी का एक महत्वाकांक्षी मिशन है? PROBA-3 मिशन इज एन एम्बिशियस मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये। ठीक है, PROBA-3 मिशन। भारत इस साल अस्त्र Mark-2 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का पहला परीक्षण करेगा, जिसकी मारक क्षमता कितनी है? 120 से 130 किलोमीटर। 24 अप्रैल 2024 को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड अमिताभ बच्चन जी को मिलेगा। इसको अमिताभ बच्चन जी। हाल ही में खबरों में रही जियाधल नदी, कौन सी? जियाधल नदी किसकी सहायक नदी है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। जियाधल रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जियाधल किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की। अप्रैल 2024 में भारत पे का पूर्णकालिक CEO किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड CEO भारत पे? तो ये करा नलिन नेगी। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला ऑर्बिटर विकसित किया जो स्मार्टफोन को सीधे सैटेलाइट कॉल करने की अनुमति देता है? तो ये चाइना ने कर दिया। किसने? चाइना ने। हाल ही में माउंट एटना ज्वालामुखी में दुर्लभ वॉल्केनिक वॉर्टेक्स रिंग्स दर्ज किए गए हैं। माउंट एटना कहाँ है दोस्तों? इटली में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना, वॉल्केनिक आइलैंड है माउंट एटना। भारत कितने देशों को प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में मदद कर रहा है? हाउ मेनी कंट्रीज इज इंडिया हेल्पिंग इन डेवलपिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम? तो 5 देशों की मदद भारत कर रहा है, 5 देशों। हाल ही में नेट साइबर ब्रंट विश्व में विजडन के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में सम्मानित होने वाली किस देश की पहली महिला बनी? तो इंग्लैंड की है दोस्तों। ये कहाँ की? इंग्लैंड की। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष या यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने समय में दोगुनी होने का अनुभव है? तो 77 साल में, समझ लो ये दोगुनी होने का अनुभव, मात्र 77 साल में अभी हम 300 करोड़ पहुँच जाएंगे। मौत है।
हाल ही में किस संस्थान ने देश की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा शुरू की है? तो IIT मद्रास ने करी है, IIT मद्रास ने। हाल ही में फ्रॉस्ट एंड सुलीवन ने 2023 में किस कंपनी को डेटा सेंटर कोलोकेशन सर्विसेज इंडस्ट्री में अग्रणी भूमिका के लिए इंडियन कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो STT GDC इंडिया को करा, STT GDC इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल 2024 में साख्यांकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सौरभ गर्ग को, सौरभ गर्ग। विविधता की खोज करें और अनुभव करें थीम के साथ विश्व विरासत दिवस किस दिन मनाया गया? 18 अप्रैल को मनाया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। थीम क्या है दोस्तों? थीम है इसकी विविधता की खोज करें और अनुभव करें। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की तिरंगी बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को GI टैग मिला है? तो वाराणसी की जो तिरंगी बर्फी और मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है उसको मिला है, वाराणसी की है। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना में शामिल हुए स्क्वाड्रन लीडर दिलीप सिंह मजीठिया का 103 वर्ष की आयु में अभिनिधन हो गया ये। तो ये उत्तराखंड के थे, कहाँ के थे? उत्तराखंड। ये समझ लो द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना में थे, ठीक है, याद रखना। अप्रैल 2024 में ग्रीन फील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? BPCL के साथ समझौता किया। किसके साथ? BPCL। हाल ही में शीतल देवी ने खेलो इंडिया NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? विच मेडल है शीतल देवी वॉन रिसेंटली इन खेलो इंडिया NTPC नेशनल रैंकिंग आर्चरी चैंपियन? तो सिल्वर मेडल जीता इन्होंने, सिल्वर। हाल ही में भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी सरबजीत जयबेली बलदेव 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध क्या थे? गायक थे, सिंगर थे दोस्तों, सुरजीत जय बहेली बालदेव। अप्रैल 2024 में स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी फोरम के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये न्यूयॉर्क में करा गया। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। किर्गिस्तान के बिस्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय पहलवानों ने जीते तो कुल 9 पदक, गोल्ड एक भी नहीं है, फिर सिल्वर है और फिर कॉपर है, ठीक है, 9 पदक जीते हैं। हाल में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रहा रुआंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में रुआंग ज्वालामुखी। कहाँ है रुआंग? बहुत इंपॉर्टेंट है, रुआंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया, भूलना मत। हाल ही में किस कंपनी ने देश का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया है? इलेक्ट्रिक डंप ट्रक तो सैनी इंडिया ने करा। किसने? सैनी इंडिया। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जस्ट अ मर्सिनरी किसका संस्मरण है? जस्ट अ मर्सिनरी तो दुवुरी सुब्बाराव, ठीक है। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने जीवन बीमा नवाचार के लिए आईडिएशन एक्स पेश किया है? तो SBI लाइफ इंश्योरेंस ने करा। किसने? SBI ने। भारतीय टीम ने जॉर्जिया उसके तस्कालतुबो में 13वें यूरोपीय लड़कियों के गणितीय ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं? तो 2 सिल्वर जीते हैं, 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है, 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। हाल ही में DRDO ने किस राज्य में ध्वनिक विशेषता एवं मूल्यांकन के लिए सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? रिसेंटली DRDO इनॉग्रेट्स सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर ऑस्टिक करेक्टराइजेशन फॉर इवेल्युएशन यानी स्पेस, इन विच स्टेट? केरल में करा है। किसके लिए? केरल में करा। तो स्पेस का फुल फॉर्म याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अप्रैल 2024 में जारी टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शामिल है? आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, तो ये दोनों ही, आलिया भट्ट और साक्षी मलिक, ये दोनों शामिल है दोस्तों टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल। नेक्स्ट देखते हैं, 17 अप्रैल 2024 को भारतीय खगोल भौतिक संस्थान यानी IIA ने अयोध्या में सूर तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। IIA कहाँ पे है? तो ये बेंगलुरु में दोस्तों। IIA कहाँ पे है? बेंगलुरु। कह रहे 301 में केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? विच डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सब्सिडी टू हॉर्टिकल्चर फार्मर? तो CDP सुरक्षा लॉन्च करा गवर्नमेंट ने। कौन सा? CDP सुरक्षा, ठीक है। हाल ही में आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फॉर्मर US प्रेसिडेंट टू फेस क्रिमिनल ट्रायल? तो ये बने डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अप्रैल 2024 में किस देश की संसद ने दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक पारित किया? विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज़ पास वर्ल्ड स्ट्रिक्टेस्ट एंटी स्मोकिंग बिल? तो ये UK ने करा है दोस्तों। हाल ही में भारत और किस देश ने हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली को फिर से सक्रिय करने का निर्णय लिया?
रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव डिसाइडेड टू रीएक्टिव द इंडियन ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम, तो ये अमेरिका ने करा है दोस्तों। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है ये। 18 अप्रैल 2024 को ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से स्वदेशी तकनीक से निर्मित क्रूज मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो DRDO ने करा इसको, DRDO। हाल ही में किस संस्था ने रॉकेट इंजनों के लिए हल्के कार्बन CC नोजल को सफलतापूर्वक विकसित किया है? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट है सक्सेसफुली डेवलप लाइट वेट कार्बन कार्बन नोजल फॉर रॉकेट इंजन? तो ये इसरो ने करा है दोस्तों। किसने? इसरो ने। 16 से 17 अप्रैल 2024 तक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा किस शहर में एक्सोस्केलेटन के लिए उभरती प्रौद्योगिकी और चुनौतियों पर पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है? यूनिवर्सिटी द फर्स्ट इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड चैलेंजेस फॉर एक्सोस्केलेटन वॉज ऑर्गेनाइज बाई डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO, तो बंगलुरु में करा गया है। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से राज्य में 61,000 से अधिक लड़के लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड स्किल ट्रेनिंग टू मोर देन 61,000 बॉयज गर्ल्स इन द स्टेट थ्रू प्रोजेक्ट प्रवीण? तो उत्तर प्रदेश ने कराया। किसने? यूपी ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की कितनी सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलों में सूखे की स्थिति पर नजर रखने के लिए टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो ये 100 स्टेशनों पर, कितने? 100 तहसीलों पर करी है दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की कितनी सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलों में? तो 100 सूखाग्रस्त तहसीलों में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो यूपी जीके के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों के भीतर राज्य के सभी 75 जिलों में कितनी हज़ार इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की योजना बनाई है? तो समझो 50,000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने जाएगा उत्तर प्रदेश, करने वाला है 75 डिस्ट्रिक्टों में। बुंदेलखंड क्षेत्र के किस जिले में टुस्को लिमिटेड द्वारा 1008 करोड़ से 155 मेगावाट अर्जुन सागर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही है? तो ये महोबा में करी जा रही है। कहाँ? महोबा में। हाल ही में गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में 25 करोड़ की लागत से स्थापित होने जा रहे फार्मेसी भवन का शिलान्यास किसने किया है? तो ये शिलान्यास कराया योगी आदित्यनाथ ने। किसने? योगी आदित्यनाथ। इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? दोस्तों इसरो हैज डिसाइडेड टू अचीव डेब्रिस फ्री स्पेस बाय विच ईयर? तो 2030 तक लिया है डेब्रिस फ्री स्पेस, 2030। हाल ही में किस देश के पोम्पेई शहर में, कहाँ पे? पोम्पेई सिटी में, पोम्पेई शहर में खुदाई में पुरातत्वविदों को ग्रीक पौराणिक कथाओं के भित्ति चित्रों से सजा हुआ एक बैंक्वेट हॉल मिला है? तो ये मिला इटली से। कहाँ से? इटली से दोस्तों। अप्रैल 2024 में किस देश के इंगमार डी वोस को एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो बेल्जियम का है। कहाँ का है? बेल्जियम का। हाल ही में किस देश ने अंडर वाटर ड्रोन यानी मंटा रे लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे? तो अमेरिका ने करा अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे, नाम याद रखना मंटा रे। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने ऑनलाइन आधार ATM सेवा AEPS लॉन्च किया? ऑनलाइन आधार ATM सेवा AEPS इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने। किसने? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ली हिशन लुंग ने 2 दशक बाद इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये सिंगापुर के हैं। कहाँ के हैं? सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली हिशन लुंग, ठीक है। अप्रैल 2024 में सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन कहाँ आयोजित करा गया? वेयर वॉज द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस ऑन सूडान हेल्ड? तो ये पैरिस में हुआ, फ्रांस में, ठीक है। अप्रैल 2024 में इंटेल ने किसे भारत के लिए कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो संतोष विश्वनाथन को करा है। किसको? संतोष विश्वनाथन। किस कंपनी ने UPI पर क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने के लिए IPL 2024 के दौरान लिंक इट फॉरगेट इट अभियान शुरू करा है? तो लिंक इट फॉरगेट इट अभियान शुरू करा है रुपे ने। किसने? रुपे ने। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस या नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाते हैं नेशनल सिविल सर्विसेज डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 6 साल की तछवी वाघनी ने स्केटिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तछवी वाघान किस राज्य की है दोस्तों? तछवी वाघानी तो ये गुजरात से है। कहाँ से है? गुजरात से, ठीक है। अंतरिक्ष खतरों से निपटने के लिए किस देश द्वारा पहली बार इन ऑर्बिट मिलिट्री एक्सरसाइज मिशन विक्टस हैस, कौन सी मिशन विक्टस हैस आयोजित किया जाएगा? तो ये अमेरिका में करा जाएगा। कहाँ पे? अमेरिका में। हाल ही में 8 दिवसीय बिस्किट यात्रा महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया है? रिसेंटली 8 डे बिस्किट यात्रा फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री? तो ये नेपाल में करा जा रहा है। कहाँ? नेपाल में। अप्रैल 2024 में RBI ने किस बैंक के ऐप बॉब
वर्ल्ड पर प्रतिबंध लगा दिए है। विच बैंक ऐप बॉब वर्ल्ड हैज़ बीन बैंड बाय आरबीआई, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का था, बॉब, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB। आगे बढ़ते हैं, 328 अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार ने किसे अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट नेवी चीफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को नेवी चीफ बनाया गया, याद रखना दिनेश कुमार त्रिपाठी। अप्रैल 2024 में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप सौंपी है, तो फिलीपींस को दी है ब्रह्मोस मिसाइल की पहली की भारत ने, ठीक है। अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समलैंगिक समुदाय से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए 6 सदस्य समिति का गठन किया है, तो ये राजीव गौबा की अध्यक्षता में हुआ, राजीव गौबा। हाल ही में किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अप्रैल 2024 में उज्बेकिस्तान में सशस्त्र बल अकादमी में हाईटेक IT लैब का उद्घाटन किसने किया है, हु इनॉग्रेटेड द हाईटेक IT लैब एट द अकेडमी ऑफ आर्म्ड फोर्सेज इन उज्बेकिस्तान, तो ये जनरल मनोज पांडे ने, जनरल मनोज पांडे। हाल ही में मेलकम एडिशेशिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है, हु हैज़ बीन रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर द मेलकॉम एडिशेलिया अवार्ड, तो ये उत्सा पटनायक, कौन, उत्सा पटनायक को चुना गया है। हाल ही में सूखने के कारण खबरों में रही कर्नाटक में बहने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी किसकी सहायक नदी है, लक्ष्मण तीर्थ नदी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी नदी, जो कि कहाँ बहती है, कर्नाटक में बहती है, ठीक है। अप्रैल 2024 में नासा ने शनि के चंद्रमा टाइटन पर अपने ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन की पुष्टि की थी, कहाँ पे, चंद्रमा टाइटन है जो कि किसका चंद्रमा है, सैटर्न का है, ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन की शुरुआत की थी। यह मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया है, 2028 में लॉन्च किया जाएगा, कब, सैटर्न का मून टाइटन पे 2028 में ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने अब 18 अप्रैल 2024 को किस संस्थान के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें, तो IIT कानपुर में करें, IIT कानपुर। 27 अप्रैल 2024 में स्वीडन आर्टिमिस समझौते में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है, तो आर्टिमिस अग्रीमेंट में स्वीडन ज्वाइन होने वाला 38वां देश बन गया, कौन सा, 38। हाल ही में किस कंपनी ने लामा 3 और रियल टाइम इमेज जनरेटर का अनावरण किया है, लामा 3 एंड रियल टाइम इमेज जनरेटर, तो ये मेटा ने करा, मेटा वही फेसबुक है जो, ठीक है, मेटा ने करा। द सिल्वर इंस्टीट्यूट USA द्वारा आयोजित वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के अनुसार कौन सी भारतीय कंपनी विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक बन गई है, तो सबसे बड़ी तीसरी चांदी उत्पादक बनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हाल ही में हॉकी इंडिया ने किस महिला खिलाड़ी को प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया, हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार से, तो ये दीपिका सोरेन को करा, दीपिका सोरेन। नेक्स्ट कह रहा है फिडे जो कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट है, जीतने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र का शतरंज खिलाड़ी कौन बना है, तो D. Gukesh बने, कौन बने, D. Gukesh। अप्रैल 2024 में आर्टमी समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन बना है, स्लोवेनिया, कौन बना है, स्लोवेनिया। 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, कब, 21 अप्रैल को, पहली बार यह कब मनाया गया था, 2006 में, कब, 2006 में। 21 अप्रैल 2004 को महावीर जयंती पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने करा, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे प्लेन प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक थीम के साथ पृथ्वी दिवस अर्थ डे, थीम जरूर याद रखना, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, अर्थ डे कब मनाया गया है, 22 अप्रैल को, ठीक है। अप्रैल 2024 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या NSG के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नलिन प्रभात को करा गया, नलिन प्रभात को, ठीक है। हाल ही में किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी केंटो मोमोता ने संन्यास लेने की घोषणा की है, किसने, केंटो मोमोता, ये जापान के बैडमिंटन प्लेयर केंटो मोमोता। हाल ही में किस देश ने सुपर लार्ज वॉरहेड क्रूज मिसाइल और विमान रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड सुपर लार्ज वॉरहेड क्रूज मिसाइल एंड एंटी क्राफ्ट मिसाइल, तो ये नॉर्थ कोरिया ने करा, किसने, नॉर्थ कोरिया। और दोस्तों नॉर्थ कैपिटल, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या, प्योंगयांग, क्या है, प्योंगयांग, याद रखना, ये पूछ सकता है आपसे। साउथ कोरिया की पता ही होगा, सियोल, ये आपका चाइना की कौन सी है और इंडिया कौन सी है, तो आपको बिना बताए पता है। हाल ही में फ्रांस की कार निर्माता कंपनी सिटोरन इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये MS धोनी को करा है, किसको, MS धोनी।
हाल ही में जारी वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने लाख करोड़ रुपए रहा है, तो 23.37 लाख करोड़ रहा है। कितना? 23.37 लाख करोड़। अप्रैल 2024 में अमेरिकी सदन ने यूक्रेन, इसराइल और ताइवान के लिए कितने बिलियन डॉलर की सहायता बिल को मंजूरी दे दी है, तो 95 बिलियन डॉलर। कितने? 95 बिलियन डॉलर। हाल ही में खबरों में रहा यासुकुनी श्राइन, किस देश में स्थित है यासुकुनी श्राइन, तो ये जापान में है दोस्तों। जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? टोक्यो हो जाएगी, ठीक है। चीन, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, इसकी कैपिटल भी आपको पता है। हाल ही में किस टीम ने पांचवा डेफ इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता, 5th डेफ इंडियन प्रीमियर लीग, बेंगलुरु बादशाह। किसने? बेंगलुरु बादशाह ने। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के आदिवासी समूह सोमपेन के सदस्यों ने पहली बार मतदान किया, इस पर मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था, ये अंडमान निकोबार की ट्राइब है जिसने पहली बार वोट डाला दोस्तों, सोमपेन ट्राइब। हाल ही में 2024 वर्ल्ड कप प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है, 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला मोहम्मद सलीम। 20 अप्रैल 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, तो ये नेपाल में हुआ, फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में राजस्थान रॉयल्स की पहली क्रिकेट अकेडमी का उद्घाटन किया गया है, तो वही जयपुर में ही करा जाएगा ऑब्वियसली। स्कॉच के इंडिया इन्वॉल्व्ड असेसमेंट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस कंपनी ने विकसित भारत के प्रति सबसे अधिक प्रतिबद्धता दिखाई है? अकॉर्डिंग टू स्कॉच इंडियाज इन्वॉल्वमेंट असेसमेंट इंडेक्स 2023, विच कंपनी हैज शोन द हाईएस्ट कमिटमेंट टुवर्ड्स अ डेवलप्ड इंडिया, तो ये रिलायंस ने दिखाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाल ही में किस खिलाड़ी देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया है, मतलब किस खाड़ी देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण या फर्स्ट हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ, कुवैत में। कहाँ पे? कुवैत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया, किसने, मतलब किसको मिला है, ये मिला है आपके नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को। तो ये किस साल बना था नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, 1974 में, ठीक है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में 47 मिलियन वर्ष पुराने एक विशाल सांप के जीवाश्म अवशेषों की खोज की है, तो ये आपको पता होगा वासुकी नाग, जो कि 47 मिलियन साल पुराने सांप की खोज हुई है, बहुत ही जायंट स्नेक के फॉसिल मिले गुजरात से हमें, ठीक है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हवा के माध्यम से संचारित होने वाले रोग जनकों को संक्रामक श्वसन कण शब्द वर्णित किया है। WHO का मुख्यालय कहाँ है, ये तो पता होगा, जुनेवा स्विट्जरलैंड। हाल ही में खबरों में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी किस महाद्वीप पे है, माउंट एरेबस वॉल्केनो, तो ये अंटार्कटिका में है, इस पर भी मैंने आपको एक शॉट दिया था बना के, माउंट एरेबस अंटार्कटिका। हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए रोइंग में भारत का पहला कोटा हासिल किया है, हु रिसेंटली वॉन इंडियाज फर्स्ट कोटा इन रोइंग फॉर पेरिस ओलंपिक, तो ये बलराज पवार ने जीता। 365 प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, ऑन विच डे नेशनल फायर सर्विस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो 14 अप्रैल को मनाते हैं, 14 अप्रैल। वित्त वर्ष 2023-24 में 9.6 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड के साथ देशों में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में सीट्स पर है, तो तमिलनाडु जो है सबसे टॉप पे है दोस्तों। प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, तो 23 अप्रैल को मनाते हैं, कब, 23 अप्रैल को। हाल ही में 7 दिवसीय मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 आयोजित किया गया है, त्रिशूर पूरम फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया जाता है, केरल में, कहाँ पे, केरल में। हाल ही में किस देश में बाघ की एक नई प्रजाति क्लाउडेड टाइगर कैट की खोज की गई है, क्लाउडेड टाइगर कैट, ये ब्राज़ील में करी गई, कहाँ पे, ब्राज़ील में। 22 अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने किस संस्थान के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें, तो IIT दिल्ली के साथ। प्रतिवर्ष विश्व अंग्रेजी भाषा दिवस वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज डे कब मनाई जाती है, 23 अप्रैल को मनाते हैं, वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल। हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है कौन, नाइमा खातून, पहली महिला कुलपति नाइमा खातून। हाल ही में एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के आर्य भट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, पुवलरी सुब्बा राव को, किसको, पुवलरी सुब्बा राव को। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा हाल ही में किस एयरलाइन ने अपने दिग्गज 747 बोइंग विमान आसमान की रानी को रिटायर कर दिया, 747 बोइंग एयरक्राफ्ट क्वीन ऑफ द स्काई, तो एयर इंडिया ने कर दिया दोस्तों, ठीक है। हर एक का एक रिटायरमेंट एज होती, चाहे वो कितनी ही क्वीन हो या किंग हो,
कुछ भी परमानेंट नहीं रहता दोस्तों। हाल ही में 200 आईपीएल विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बन गया दोस्तों, तो यजुवेंद्र चहल बन गया, यजुवेंद्र चहल। हाल ही में चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2024 या चाइनीज़ ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता, यही जीतता सारे ही, मैक्स वेस्टर्मन या लुइस हैमिल्टन, इन दोनों के अलावा तीसरा नाम कभी नहीं देखोगे। हाल ही में किस राज्य की प्राची यादव ने जापान में 2024 ACC पैरा केनो एशियन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण जीते हैं, तो ये MP की हैं दोस्तों, प्राची यादव MP की। चुनावों में प्रयुक्त होने वाली अमित स्याही में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। विच केमिकल कंपाउंड इज प्रेजेंट इन द इनडेलिबल इंक यूज फॉर इलेक्शन, तो सिल्वर नाइट्रेट होता है, क्या होता है इसमें, सिल्वर नाइट्रेट। हाल ही में किस राज्य में 34वां सेंग खेलहलंग उत्सव मनाया गया है, इन विच स्टेट वॉज दी 34th सेंग खेलंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, तो मेघालय में, कहाँ पर, मेघालय में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, ऑन विच डे इज वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है, 21 अप्रैल। 10 से 12 अप्रैल को 2024 संयुक्त राष्ट्र महासागर दशक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, यूनाइटेड नेशन ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस स्पेन में, कहाँ हुआ, स्पेन में। हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया, तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया, पहले पे आपको पता ही होगा अमेरिका है दोस्तों, और दूसरे पे कौन है, चाइना, तीसरे पे रशिया, चौथे पे इंडिया, ठीक है। तो US, चाइना, रशिया, फिर इंडिया चौथे पे आ जाता है, ठीक है। विश्वकर्मा पुरस्कार के 15वें संस्करण में सामाजिक विकास और प्रभाव सृजन के लिए उपलब्धि पुरस्कार किसने जीता है, हु वॉन द अचीवमेंट अवार्ड फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट क्रिएशन इन द 15th एडिशन ऑफ विश्वकर्मा अवार्ड, तो ये जीता पूर्वांकर लिमिटेड ने, पूर्वांकर लिमिटेड। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एडवेंचर्स ऑफ अ ट्रैवलिंग मॉन्क अ मेमोरियल बाय इंद्र द्युमा स्वामी, ये किसने लिखी है दोस्तों, ये लिखी है इंद्र द्युमा स्वामी, नहीं इन्होंने, इंद्र द्युमन स्वामी। हाल ही में किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है, विच कंट्री रिसेंटली अपॉइंटेड कर्नल एडिसन नेपियो एज इंडियाज फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर, तो पपुआ न्यू गिनी। हाल ही में डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है, तो रिलायंस जियो बना है विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है, ऑन विच डे नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड, 24 अप्रैल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पंचायती राज कौन से पार्ट में है, कौन से शेड्यूल में है, ये आप कमेंट में बताइए, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, कितने सब्जेक्ट है, फटाक से इसको रिकॉल कर लो एक बार। हाल ही में किस उद्योगपति को प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो रतन टाटा को करा गया, किसको, रतन टाटा को। हाल ही में भारत के किस स्क्वैश खिलाड़ी पेशेवर स्क्वैश से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो सौरभ घोषाल ने, किसने, सौरव घोषाल। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा किसने लिखी है, हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, पी एस श्रीधरन पिल्लई, नाम याद रखना, हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा, PS श्रीधरन पिल्लई। हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और किस देश की कंपनी स्टारबस ने एरोस्पेस रक्षा और होमलैंड सुरक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है, तो ये फ्रांस के हैं, कहाँ के, फ्रांस के। अप्रैल 2024 में किस स्टार खिलाड़ी को 5वीं बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, तो नोवाक जोकोविक, कौन, नोवाक जोकोविक। हाल ही में किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, रिजवाना चौधरी को, तो ये बांग्लादेश की, कहाँ, बांग्लादेश। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस रोग के लिए एक नई मौखिक वैक्सीन यूविचोल एस को पूर्व योग्यता प्रदान की है, तो यह हैजा या कॉलरा की वैक्सीन, ठीक है, हैजा या कॉलरा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस भारतीय को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र का नया रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया है, तो यह दोस्तों गीता सबरवाल, कौन है, गीता सबरवाल। 22 अप्रैल 2024 को किस देश ने बाघ परिदृश्यों के संरक्षण के लिए $1 बिलियन का लक्ष्य रखते हुए शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, तो ये भूटान ने करी, किसने, भूटान ने। प्रतिवर्ष शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, 24 अप्रैल को, कब, 24 अप्रैल को। हाल ही में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया गया है, जो कहाँ पर है, सबसे बड़ी जलवायु घड़ी दिल्ली में करा गया, इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी कैस्पर रूड ने ATP बार्सिलोना ओपन 500 का एकल खिताब जीता है, विच कंट्रीज प्लेयर कैस्पर रूड वॉन द ATP बार्सिलोना ओपन 500 टाइटल्स, नॉर्वे के, ये कहाँ के, नॉर्वे के। हाल ही में खबरों में रही गेपांगात हिमनद झील, कौन सी, गेपांगात ग्लेशियर लेक,
कहाँ पर ये? हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में पूछ सकता है आपसे। कौन सी? गेपांग गात हिमनद झील, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। 401 कह रहा है, हाल ही में किस देश ने रवांडा सुरक्षा शरण और आप्रवासन विधेयक पारित किया? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पास सेफ्टी ऑफ रवांडा अजाइलम एंड इमिग्रेशन बिल? तो ये यूके ने कराया। हाल ही में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये उसैन बोल्ट को करा गया, उसैन बोल्ट को, ठीक है। वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में उत्तर प्रदेश कितने बिलियन डॉलर के साथ देश में तीसरे स्थान पर है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 5-स्टार क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश टू थर्ड इन द कंट्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट इन द फाइनेंशियल ईयर, हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स? तो ये है 4.46 बिलियन डॉलर के साथ, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में यूरोपीय खगोलविदों द्वारा हमारी आकाशगंगा में खोजा गया सबसे बड़ा तारकी यानी ब्लैक होल कौन सा है? तो यह है BH3। कौन है? BH3। अप्रैल 2024 में जारी S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट में किस भारतीय बैंक को एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 50 बैंकों में शामिल किया गया है? तो ये करा गया SBI को, HDFC को, ICICI को, ठीक है। हाल ही में फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के समर्थन वाले प्रस्ताव को किस देश ने वीटो दे दिया है दोस्तों? तो अमेरिका ने दे दिया दोस्तों। विच कंट्री रिसेंटली वीटोड द रेजोल्यूशन सपोर्टिंग फुल मेंबरशिप ऑफ UN फॉर फिलिस्तीन? तो अमेरिका, देख रहा, बड़ा दोगला सांप है। हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में BJP के उम्मीदवार मुकेश दलाल किस सीट के निर्विरोध चुने गए हैं? तो 18 लोकसभा इलेक्शन में मुकेश दलाल चुने गए, तो सूरत से दोस्तों को निर्विरोध चुने गए, कोई है ही नहीं इनको अपोजिट में खड़ा होने वाला। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस देश की फुटबॉलर एटाना बोनमती ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो स्पेन की है। कहाँ की है? स्पेन। अप्रैल 2024 में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ दोस्तों। वेयर वॉज द 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर? एक्सलेट द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, ये थीम है विश्व मलेरिया डे की या विश्व मलेरिया दिवस की इस साल। क्या? एक्सलेट द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। तो ये 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाते हैं, 25 अप्रैल। हाल ही में किस संस्थान ने विश्व पृथ्वी दिवस पर जलवायु रणनीति 2030 लॉन्च की है? विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली लॉन्च क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030 ऑन वर्ल्ड अर्थ डे? तो ये नाबार्ड ने करी, नाबार्ड ने। हाल ही में किस संस्थान ने पॉलीमर बुकिंग और मोनोलिथिक सेरेमिक प्लेट से बनी भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? किससे बनी है ये? विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डेवलप इंडियाज लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट मेड ऑफ पॉलीमर बैकिंग एंड मोनोलिथिक सेरेमिक प्लेट? DRDO ने बनाया ये। प्रतिवर्ष विश्वभर में इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे सेलिब्रेटेड कब करा जाता है? वेन इज इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड? अप्रैल के 4th गुरुवार। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने इजरायली एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेस 2 का सफल परीक्षण किया, इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता है 250 किलोमीटर, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय गोल्फ खिलाड़ी ने जोबर्ग लेडीज ओपन 2024 में संयुक्त तीसरा स्थान हासिल किया है? विच इंडियन गोल्फर रिसेंटली फिनिश ज्वाइंट थर्ड इन द जोबर्ग लेडीज ओपन? तो ये जीता है दीक्षा डागर, दीक्षा डागर। अप्रैल 2024 में C.DOT और किस संस्थान ने AI के उपयोग से 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये IIT जोधपुर ने करें, IIT जोधपुर। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल 2024 में भारतीय मनोविश्लेषक और विद्वान सुधीर कक्कड़ का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष जर्मनी की तरफ से देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था? तो 2012 में करा गया था इनको। हाल ही में रिजर्वपे ने किस पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी करके UPI स्विच लॉन्च किया है? तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक ने कराया, रिजर्वपे, ठीक है। हाल ही में प्रोबोवोस सोबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने? प्रोबोवो सोबियांतो इंडोनेशिया के। कहाँ के? इंडोनेशिया के। अब इसकी राजधानी बताओ कमेंट में, अभी ऊपर बताई थी शायद। मालदीव, थाईलैंड, मॉरिशस, इन सब की राजधानियाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, माहे मालदीव की है, जकार्ता हो गई, थाईलैंड की क्या है कैपिटल दोस्तों? हर कोई जाना भी चाहता है, बैंकॉक है ना। और पोर्ट लुइस हो गई आपकी मॉरिशस की, पोर्ट लुइस। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को मनाते हैं इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे। 23 अप्रैल 2024 में किस राज्य में खोंगजम दिवस मनाया गया है? खोंगजम दिवस कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? मणिपुर का है खोंगजम डे, खोंगजम दिवस।
उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक तौर पर कौन सा पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो मिशन भरोसा लॉन्च किया, मिशन भरोसा। आईपी और एसडीजी नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण, इस थीम के साथ विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया गया दोस्तों? तो 26 अप्रैल को मनाया गया, 26 अप्रैल को, ठीक है। 22-25 अप्रैल तक 26वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज दी 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 हेल्ड? तो ये नीदरलैंड में हुआ, नीदरलैंड। और वहीं बात करते हैं अप्रैल 2024 में एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? अमिताभ चौधरी को करा गया, अमिताभ चौधरी। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने एक नया लोगो और आदर्श अपनाया है, कौन सा भैया, क्या है इनका? IHRC की स्थापना कब हुई थी ये बतानी है दोस्तों। तो IHRC इस्टेब्लिश हुआ था 1919 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। SGVN लिमिटेड ने किस राज्य में 1500 मेगावाट के नाथपा झकाड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया, वह किस लोक नृत्य से एक प्रसिद्ध गायक थे? किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे दोस्तों? तो यक्षगान एक लोक नृत्य, उसके गायक थे कौन? सुब्रमण्यम धारेश्वर। दुबई में 21वां एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में दीपांशु शर्मा ने 70.29 मीटर भाला फेंककर कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड जीता, गोल्ड। हाल ही में जारी ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट, ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट AU के अध्ययन के अनुसार भारत का पासपोर्ट दुनिया का डैश सबसे सस्ता पासपोर्ट बना है। तो भारत का सेकंड सबसे सस्ता, मतलब दुनिया का सबसे सेकंड सबसे सस्ता पासपोर्ट भारत का पासपोर्ट है, ठीक है। हाल ही में किस देश की दिग्गज खिलाड़ी सना मीर को ICC महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर 2024 का राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये पाकिस्तान के, कहाँ है? पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया गया? तो 26 अप्रैल को, कब? 26 अप्रैल। किसे 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पार्डो डी ऑनोर मैनर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये करा जाएगा जेन कैंपियन को, जेन कैंपियन। 16 अप्रैल से 2 मई 2024 तक आयोजित पहले खाड़ी युवा खेलों, पहले खाड़ी युवा खेलों की मेजबानी किस देश ने की? विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट गल्फ यूथ केप, जो कि 16 अप्रैल से 2 मई को होगा? तो UAE ने करी है दोस्तों गल्फ यूथ गेम के उद्घाटन या होस्ट। अंतर्राष्ट्रीय आतिथ्य परिषद और अंतर्राष्ट्रीय होटल प्रबंधन संस्थान, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतिथ्य दिवस किस दिन मनाया गया दोस्तों? तो 24 अप्रैल को, कब? 24 अप्रैल। अप्रैल 2024 में कोटक महिंद्रा बैंक को पीछे छोड़ते हुए कौन सा बैंक बाजार मूल्यांकन के हिसाब से देश का चौथा सबसे मूल्यांकन बैंक बना है, सबसे मूल्यवान बैंक देश का चौथा? तो ये बना है एक्सिस बैंक दोस्तों। कौन? एक्सिस बैंक, जिसने कोटक को पीछे छोड़ दिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने RBI के डिप्टी गवर्नर TRavishankar, कौन? TRavishankar, इनका कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिए? तो 1 मई 2025 तक के लिए बढ़ा दिए दोस्तों, डिप्टी गवर्नर है TRavishankar। अप्रैल 2024 में किस संस्था को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में वर्ष का उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का पुरस्कार मिला है? तो ये HAL को मिला, HAL। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा कालेसर वन्यजीव अभयारण्य, ये किस राज्य में है कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो ये हरियाणा में है। कहाँ पर? हरियाणा में। हाल ही में ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस नामक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? रिपोर्ट नेम्ड ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस वॉज रिलीज बाई विच ऑर्गेनाइजेशन? तो फूड सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, फूड सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 1 लाख रुपए की न्यूनतम वार्षिक आय अर्जित करने वाली लखपति दीदियों की संख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर लखपति दीदी? आंध्र प्रदेश। 13,65,000 से ज़्यादा महिलाएँ सालाना 1 लाख रुपये से ज़्यादा कमाती हैं, समझ रहे, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किस बैंक ने पहला यात्रा केंद्रित क्रेडिट कार्ड मिल्स किया लॉन्च, ठीक है? विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट ट्रेवल सेंट्रिक कार्ड मिल्स? तो SBI ने करा, किसने? SBI। अप्रैल 2024 में WHO द्वारा रोगी सुरक्षा पर 6ठे वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चिली में। कहाँ? चिली में। नेक्स्ट कह रहा है, ह्यूमैनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल थीम के साथ विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया? 24-30 अप्रैल को। अप्रैल 2024 में किस बैंक ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ऋण प्रदान करने के लिए टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किए हैं? तो ये इंडियन बैंक ने करें, इंडियन बैंक।
रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने 26 अप्रैल 2024 को किस देश में आयोजित संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया है? तो ये कजाकिस्तान ने लिया है। अप्रैल 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नरसिंह यादव को चुना गया है। किसको? नरसिंह यादव को। 13 से 15 जून 2024 को G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा दोस्तों? G7 समिट ये इटली में हुआ। कहाँ? इटली में। हाल ही में फीफा ने 2027 तक किस देश की तेल कंपनी अरामको के साथ नए प्रयोजन समझौते पर हस्ताक्षर करें? तो सऊदी अरब ने करे। किसने? सऊदी अरब ने। हाल ही में जारी IIEFA क्लीन एनर्जी थिंक टैंक एम्बर इसके अनुसार कौन से दो राज्य देश में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में अव्वल रहे? तो कर्नाटक और गुजरात। कर्नाटक और गुजरात। हाल ही में किस देश की स्टार टेनिस खिलाड़ी गार्बिना मुगुरुज़ा गार्बिना मुगुरुज़ा ने संन्यास की घोषणा करी? तो स्पेन के। कहाँ? स्पेन के। पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। थीम के साथ विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाएगा? तो 27 अप्रैल को। ठीक है। वित्त वर्ष 2023-24 में देश का रत्न और आभूषण का निर्यात 14.94% घटकर कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है? 32.02 बिलियन डॉलर। ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क सेलिब्रेटेड? तो 28 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स पुस्तक किसने लिखी? इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स बुक, तो ये लिखी है सौम्यावस्थी और श्रवणा बरुआ। सौम्यावस्थी, श्रवणा बरुआ। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित अडानी के विंझीजम पोर्ट को देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी है? किसको? विंझीजम पोर्ट। नाम रख दो विंझीजम पोर्ट, पूछ सकता है। तो केरल में है। कहाँ है? केरल में। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास की रिपोर्ट के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 11.4% की। हाल ही में किस देश ने एवरेस्ट और MDH ब्रांड के कुछ मसालों में कैंसर कारक एथिलीन ऑक्साइड मिलने को लेकर बैन लगा दिया? किसको भैया? एवरेस्ट और MDH ब्रांड में। तो ये हांगकांग और सिंगापुर ने लगाया। हांगकांग और सिंगापुर में एथिलीन ऑक्साइड मिल रहा है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अगली पीढ़ी की सोडियम आयन बैटरी विकसित की है जो कुछ ही सेकंड में चार्ज होने में सक्षम है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने करी। ठीक है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। संयुक्त राष्ट्र प्लास्टिक संधि पर अंतर सरकारी वार्ता समिति का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो ओटावा कनाडा में करा गया है। हाल ही में नैसकॉम द्वारा जारी पेटेंट ट्रेडर्स रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत में कितने पेटेंट दायर किए गए हैं? तो नैसकॉम के अनुसार भारत में 83,000 पेटेंट दायर। पेटेंट मतलब कि ये उसका राइट है, कोई और उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकता। अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना ने किस देश की लिटोरल रिस्पॉन्स ग्रुप के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया? इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन मैरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विथ लिटोरल रिस्पॉन्स ग्रुप ऑफ विच कंट्री? तो UK के साथ कराई है। हाल ही में किस राज्य की जीना जस्टिस को 2024 कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ये केरला की है। वहीं बात करते हैं 464 की, तो कह रहा है हाल ही में भारतीय पैराशूटर मोना अग्रवाल ने कोरिया के चांगवोन में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड जीता है दोस्तों, गोल्ड। हाल ही में श्रीलंका के हम्बनटोटा स्थित मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन की जिम्मेदारी भारत और किस देश की कंपनी को संयुक्त रूप से दी गई है? तो भारत और रूस को दी गई है। ठीक है। मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कहाँ है? श्रीलंका में। वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी गेटेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में, गेटेक्स का दुबई। हाल ही में किस भारतीय पावर लिफ्टर को खेल उत्कृष्टता के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली है? तो ये गौरव शर्मा को मिली है, गौरव शर्मा। हाल ही में ICC ने आगामी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो युवराज सिंह ने बनाया। किसने? युवराज सिंह ने। इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर जो थे युवराज सिंह, ICC ने उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया T20 वर्ल्ड कप के लिए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करने वाले मराकेश समझौते पर 123 मतलब 123 देशों ने हस्ताक्षर करें किस वर्ष करे थे? 1994 में। मराकेश एग्रीमेंट एस्टैब्लिश द WTO वाज साइन बाय 123 कंट्री 1994। हाल ही में किस देश ने बाह्य अंतरिक्ष को परमाणु मुक्त रखने संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प मसौदे को वीटो कर दिया है? विच कंट्री रिसेंटली वीटोड द UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन
ड्राफ्ट टू कीप आउटर स्पेस न्यूक्लियर फ्री, तो रशिया ने कर दिया है। हाल ही में किस संस्था ने क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 का अनावरण किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अनवील्ड क्लाइमेट प्रॉमिस 2025? तो UNDP ने करा है। अप्रैल 2024 में किस देश में आयोजित प्रथम आशियान फ्यूचर फोरम में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया है? तो ये वियतनाम का है। किसका? वियतनाम। अप्रैल 2024 में किस देश में आयोजित सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च रैंकिंग अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक में NSA अजीत डोवाल ने भाग लिया? तो ये रूस के। कहाँ पे आयोजित है? रूस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खैर, हाल ही में खबरों में रहा नासा के अंतरिक्ष यान वॉयजर 1 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो वॉयजर 1 को लॉन्च किया गया था दोस्तों 1977 में, ठीक है, 1977। हाल ही में किस संस्थान ने समुद्री मछली गोल्डन ट्रेवली के कैप्टिव प्रजनन में सफलता हासिल की है? गोल्डन ट्रेवली, तो ये कौन है दोस्तों? सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट विशाखापट्टनम। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट विशाखापट्टनम। नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय नौसेना ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमान के परिचालन नियंत्रण के तहत पूर्वी समुद्र तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया। पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये विशाखापट्टनम में। कहाँ है? विशाखापट्टनम। हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल रैम्पेस किस देश ने विकसित की है? तो ये इसराइल ने करी है। किसने? इसराइल ने। अप्रैल 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अजीत कुमार केके को करा। अजीत कुमार केके। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि योजना किस राज्य से संबंधित है? लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो हिमाचल प्रदेश से। हाल ही में किस देश ने भारत पर लगे छोटे हथियारों की बिक्री के प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है? तो जर्मनी ने करा है। किसने? जर्मनी ने। अप्रैल 2024 में कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है दोस्तों? तो अरुण अगलप्पन। किसने? अरुण अगलप्पन ने। हाल ही में इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखने वाले एक कड़ा कानून पारित किया जिसमें अधिकतम कितने साल की सजा का प्रावधान है? 15 साल की सजा का प्रावधान। अप्रैल 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने बौद्धिक संपदा IP सुरक्षा मामले में निम्नलिखित किस देश को निगरानी सूची स्थानांतरित कर दी है? इंडिया, चाइना, वेनेजुएला। तीनों ही को दोस्तों, इंडिया, चाइना, वेनेजुएला। नेक्स्ट देखते हैं, 29 से 30 अप्रैल 2024 तक खान मंत्रालय द्वारा किस शहर में महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये न्यू दिल्ली में करा गया। कहाँ? न्यू दिल्ली में। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द विनर्स माइंडसेट किसने लिखी है दोस्तों? द विनर माइंडसेट सेन वॉटसन ने। किसने? सेन वॉटसन। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है? तो ये करा है दोस्तों हिताची पेमेंट सर्विस ने। हिताची पेमेंट सर्विस। हाल ही में इशाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने? इशाक डार। तो ये पाकिस्तान के बने। कहाँ के? पाकिस्तान के। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। 29 अप्रैल। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने बैच ओपन स्क्वैश चैलेंजर इवेंट का खिताब जीता है? विच इंडियन प्लेयर हैज़ रिसेंटली वॉन द बैच ओपन स्क्वैश चैलेंजर इवेंट? तो ये जीता है वेलवन सेंथिल कुमार ने। वेलवन सेंथिल कुमार। 490 TCS वर्ल्ड 10K के बेंगलुरु के 16वें संस्करण की रेस में पीटर मावनिकी ने पुरुषों का जबकि लिलियन कॉसेट ने महिलाओं के वर्ग का खिताब जीता है। दोनों धावक या धाविका किस देश से हैं? तो दोस्तों ये कहाँ से? केनिया से। कहाँ से? केनिया से। हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज इंटरनेशनल जैज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो 30 अप्रैल को मनाते हैं। 30 अप्रैल। हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने आदिवासी और वंचित युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इस्कॉन के साथ। इस्कॉन। हाल ही में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आरियस 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों किसने? एल्जेंड्रा मॉरिसा रॉड्रिगेस। एल्जेंड्रा मॉरिसा रॉड्रिगेस, ठीक है। 29 अप्रैल 2024 से किस राज्य सरकार ने विलुप्त प्राय नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड अ 3-डे सर्वे ऑफ द एंडेंजर्ड नीलगिरी तहर? तो ये तमिलनाडु में, ठीक है। अप्रैल 2024 में मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने किसे मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया है? तो ये करा है KV कामत को। KV कामत। इन्वेस्ट इंडिया ने 2023 तक भारत के ई कॉमर्स बाजार को कितने बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का अनुमान लगाया? तो भारत का जो ई कॉमर्स है वो मार्केट बनने वाला 325 बिलियन डॉलर का। 325 बिलियन डॉलर 2030 तक।
दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो ये दुबई में बनाया जा रहा है, दुबई में। हाल ही में किस संस्थान ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट पेश किए? विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली इंट्रोड्यूस इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट? IIT गुवाहाटी ने, ठीक है। अप्रैल 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया, ठीक है। अब IRDA बना कब था? IRDA बना था 1987 में। और दोस्तों एक सवाल और, नवरत्न बनने की कंडीशन देखिए क्या होता है, या तो लगातार 3 consecutive year में, मतलब लगातार 3 साल में 5,000 crore का प्रॉफिट हो, या लगातार जो उसका एनुअल टर्नओवर है वो 25,000 crore का हो, है ना, लगातार 3 साल से 25,000 crore का हो, या उसकी नेटवर्थ जो है वो कितनी हो, 15,000 crore की हो लास्ट के 3 सालों में, समझ रहे हो। तो ये रहता है नवरत्न का स्टेटस। आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज आयुष्मान भारत डे सेलिब्रेटेड? 30 अप्रैल को। ये 5 स्टार बनाओ, इसमें आता जरूर है, आयुष्मान भारत दिवस इंपॉर्टेंट है, 30 अप्रैल। तो ये था दोस्तों अप्रैल का। अब दोस्तों मई ख़त्म होने वाली है, तो मैं आपको 5 से 10 मई के बीच में दे दूंगा मई के लेक्चर। ऐसे पूरा जनवरी से लेके मैंने दे रखा है, एग्ज़ाम जब भी होगा अब आपको जनवरी से ही करंट पढ़ना पड़ेगा मोस्टली, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जाएगा, तो इस साल का ही करंट इनफ होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 MCQ मैं दे दिए, बाकी आप SCS की मैगजीन और SCS के मेन चैनल से वीडियो देख लीजिए, और हमारा ग्रुप ज्वाइन करके SCS की करंट अफेयर्स ले लो यार, 20-25 रुपए के ही मिलेंगे आराम से। उसको जितना ज़्यादा रिवाइज कर सको करो, और कंप्लीट तैयारी अगर करना चाहते हो हमसे जुड़ के, पूरी सिलेक्शन वाली तैयारी की, इस बार RO या RO हो चाहे UPSC निकाल के रहना है, तो लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के साथ हमसे जुड़